ऑल इन गेम शो, क्या मैं लाइव हो चुका हूँ बच्चा पहाड़ी? क्या मुझे तुम बता दो। आमिर खान साहब की एड आ चुकी है, इसीलिए मैं हूँ यहाँ पे। चलिए, दैट्स ग्रेट। आनंद की अनुभूति। सो यस बच्चा, आर वी लाइव? यस यस यस, वी आर लाइव। सो हेलो बच्चा पार्टी, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड केम छो। वेलकम टू वेदांतों का मेड इजी प्लेटफॉर्म। दिस इज योर मास्टर टीचर एसएसपी बच्चा लोग, वेलकमिंग यू ऑल इन माय अनदर अमेजिंग एपिसोड, यू कैन से, और द लेक्चर यू कैन से बच्चा पार्टी, आसाएं सीरीज जो कि हम लोग चला रहे हैं 2022 और 23 के सारे नीट एस्पिरेंट्स के लिए। सो बच्चा लोग, आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन भी हो जाएगी और आपका नीट का भी प्रिपरेशन हो जाएगा। तो आप लोगों के लिए ये जो बैचेस हम लोग चला रहे हैं वो ईयर लॉन्ग बैच है, यानी डिटेल वाली क्लास है। एंड आई होप माई बच्चा पार्टी दैट यू ऑल आर एन्जॉइंग द सेशन। वेल वेल वेल, अभी सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा चर्चा आप लोगों के साथ कर लूँ। ये वाला पेन क्यों सिलेक्ट किया मैंने, मुझे ये करना चाहिए। तो बच्चा, आज हम लोग सीखेंगे पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल सेल, एंड देन पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, एंड देन यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, क्योंकि कल स्टार्ट कर दिया था हम लोगों ने पोटेंशियल, बराबर। अभी आज ये सारी चर्चा स्टार्ट करने वाले हैं। सो हाउ इज द जोश माई बच्चा पार्टी? हाउ इज द जोश बच्चे लोग? दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। सो दोज हु हैव जस्ट जॉइन द सेशन, हिट द लाइक बटन माई बच्चा पार्टी, जल्दी से शेयर भी कर दो और फटाफट लाइक कर दो सेशन को। मैं देख लेता हूँ कि कौन कौन बच्चा पार्टी, कौन कौन बच्चा पार्टी आ चुका है, कौन कौन बच्चा पार्टी, कौन 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 बच्चा पार्टी आ चुका है। यस, हियर वी गो। सो बच्चा लोग, ये प्यार का बटन है, हिट द लाइक बटन एंड शेयर द वीडियो। दिस इज ईयर लॉन्ग बैच फॉर ऑल ऑफ यू माई डियर स्टूडेंट्स। एंड ये रही हमारी आज की बच्चा पार्टी। गुड इवनिंग माई डियर स्टूडेंट्स, राहेल भट्ट, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग बच्चा। भाषा परमार, केम जो सर, आई एम एब्सोल्युटली फाइन बच्चे। फिर विनीता है, साक्षी है, एंड 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 मैनी बच्चा पार्टीज आर देयर। गुड इवनिंग माई डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। अ बिग टाइट जादू के जप्पी टू ऑल माई प्यारा प्यारा बच्चा पार्टी। चालू हो जाओ यार, तुम चालू नहीं होते तो मज़ा नहीं आता, ठीक है, तुम चालू ही रहा करो। ओके, साक्षी एसएसपी फैन, प्रवीण कुमार, अनमोल, गायत्री, भाषा, सुमित, सारदार, रिद्धि, राशि अग्रवाल। अरे राशि बच्चा, हम रिलीज हो रही यार, मैं अभी शुक्ला को बोल देता हूँ। शुक्ला जी, याद दिलाना क्लास खत्म करने के बाद। राशि अग्रवाल बच्चा का मेल का रिप्लाई करना है। चलो बढ़िया। अंशुका नहीं, वो इमोजी है तुम्हारा। अच्छा ठीक है, ये सब लोग चैट सेक्शन में खतरनाक खतरनाक बातें लिखते हुए। बच्चा लोग, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग दिव्या एंड शिवानी एंड शालिनी एंड अनमोल एंड शालिनी एंड खुशी एंड रिया बच्चा एंड कविता बच्चा एंड 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 आकांक्षा पंडित बच्चा। हेलो भैया एसएसपी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बच्चा, धन्यवाद, बोलो श्री अम्बे मात की जय हो। शुक्ला जी, ये दरवाज़ा खोलो। थैंक यू सो मच माई बच्चा पार्टी। यस, सो कल की क्लास का सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो गई। लगा दे। सो कल की क्लास की सारी प्रैक्टिस आप लोगों ने करी बच्चा पार्टी, जो हम लोगों ने करा था डिटेल के अंदर। डिटेल क्लास, कल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस हुई आप लोगों से कि नहीं, फटाफट बता दो। एंड यू पीपल आर एंजॉइंग द सेशन। बच्चा देखो क्या है यार, ईयर लॉन्ग बैचेस है, आप लोग चिंता मत करना, आप लोगों के लिए क्रैश कोर्स भी कराऊंगा। आपकी पूरी फिजिक्स एकदम डिटेल में, और मैं दिल से आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ बच्चा पार्टी। और ये दिल से भी ये बात मैं कहूँगा कि अगर आप लेक्चर्स को बहुत ध्यान से सुन रहे हो, फॉलो करो, तो 100% आपको पता चलेगा कि आप फिजिक्स के साथ इश्क मोहब्बत करने लग जाओगे, ठीक है। फिर तुमरी वाली तुमको छोड़ के चले जाए, तुमरा वाला तुमको छोड़ के चला जाए, तो फिर मुझे मत दोष देना कि सर आप ही ने तो ऐसा कहा था, ठीक है। चलो ग्रेट माय डियर बच्चा लोग, ग्रेट 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 आकांक्षा पंडित यू, चलिए दैट्स ग्रेट। ओ माई डियर बच्चा पार्टी, राशि अग्रवाल विथ स्माइली, लव फ्रॉम जयपुर, थैंक यू माई बच्चा, थैंक यू सो मच। अच्छा कल के क्लास में कौन कौन बच्चा पार्टी है प्रेजेंट है, जरा हाथ ऊपर करो। मी सर, अरे भैया तुम गिराओ मत हमको। हाँ, कल के क्लास में कौन कौन बच्चा पार्टी प्रेजेंट था, जरा लिखना चालू करो। मी सर, 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 कल के क्लास में जो भी बच्चा प्रेजेंट था जरा लिखना चालू करो। दैट्स अ ग्रेट। ओ फाइनली हमारी टी शर्ट आ गई भाई, क्या बोलते हो शुक्ला जी? नहीं तो ससुरा उसी टी शर्ट में पढ़ा रहे थे, और बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि सर गर्मी में भी आप कोट ही पहन के पढ़ाते हो। अरे कोट नहीं था भाई साहब, वो
ठीक है, चलिए बढ़िया मेरे शानदार लाल बाल गोपाल। अंशुका बोलना चाहिए तुमको, करती हो तुम, कहाँ रहती हो, चैट सेक्शन के अंदर ये सब बकैती तुम्हारे लिए चल रही है। लव फ्रॉम आसाम, थैंक यू सो मच मी सर। चलो बढ़िया बच्चा पार्टी। अब आप मुझे एक बात बताओ, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के अंदर कंप्लीट सिलेबस कवर? हाँ जी बच्चा अंजू पटेल, 100% 100% 100%। सर यू नॉट टेक मेंटी क्विज? प्रियंका गायकवाड़, हे राम, बहुत खतरनाक बाढ़ मारा है इस लड़की ने। लड़की है हाँ, प्रियंका बच्चा है सॉरी। तो एक बार फिर से, सर आप मेंटी क्यों नहीं ले रहे? यार ये मेंटी, काश हमारा सब्जेक्ट भी बायोलॉजी जैसा होता। क्या बोलते हो शुक्ला जी? सर रोज ही मेंटी रखते। क्या है बच्चा, कॉन्सेप्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और कॉन्सेप्ट के साथ साथ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है। और मेंटी में बहुत सारे ऐसे फिजिक्स के क्वेश्चंस हैं जिसके डायग्राम्स नहीं बनाए जा सकते मेंटी में, इस वजह से मेंटी थोड़ी सी आप लोगों की कम ली गई है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मेंटी करेंगे ही नहीं, मेंटी करेंगे बच्चा 100%। जैसे ये चैप्टर ख़त्म हो रहा है इसकी मेंटी, और जो नीट 2021 वाले जो सुपर फास्ट रिविज़न की सीरीज चल रही थी उसकी मेंटी भी हम लोग करेंगे, राइट। चलो बाबा की जय हो, शिवरापति अम्मई थी, थैंक यू सो मच माई डियर बच्चा, थैंक यू सो मच। सो राइट नाउ इट्स ओनली 100+ बच्चा पार्टीज आर वॉचिंग राइट नाउ। लगता है तुम लोग मुझे निकलवा के छोड़ोगे, ठीक है। क्या बोलते हो शुक्ला जी? यस सर जी। अरविंद भैया का कहना था बाबा SSP को हटा देना है यहाँ से, तो लग रहा है मुझे आप लोगों का जिस तरह के से रिस्पॉन्स है, या तो मुझे आशा है सीरीज बंद बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे आशा है सब कुछ आशा ही नहीं रही। ऐसा लग रहा है तुम लोग खाली बस दूसरे सब्जेक्ट ही कर रहे हो, तो आशा है से मुझे। हाँ DPP से क्या रिलेटेड बोलो सर? कल का DPP नहीं मिला, कल और आज नया चैप्टर स्टार्ट हुआ ना, तो कल और आज का मिला करके एक साथ दे देते हैं, ठीक है। बट मुझे इस बात की खुशी है कि जितने बच्चे हो रेगुलर हो और पढ़ने वाले बच्चे हो, तो कोई चिंता मत करो, आशाएं से आशा मुझे बहुत सारी है बच्चा लोग, क्योंकि आशाएं से आशा है, और आशा है तो जीवन है, जीवन है तो उम्मीद है, उम्मीद है तो पूरा जग ही जीवन है, और जीवन है तो भौतिक विज्ञान है। क्या बोलते बच्चा लोग? लगा भौतिक विज्ञान ही। चलिए बहुत बढ़िया शानदार जबरदस्त, तो स्टार्ट करें बच्चा पार्टी। बोलो श्री अम्बे माते की। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। क्या लग रहा है आप लोगों को नीट 2021 एग्जाम होने के चांसेस? सर प्लीज स्टार्ट। अरे रुक जाओ, थोड़ा बातचीत तो कर लो यार, 1.5 2 घंटे की लाइव क्लास रहेगी, थोड़ी वार्तालाप तो जरूरी है। मैं जो कुछ सवाल पूछा जा रहा उसका आंसर तो दे दो। क्या लगता है आप लोगों को नीट 2021 होने के चांसेस? वट डू यू थिंक माई डियर स्टूडेंट्स, नीट 2021 होने के एनी चांसेस? हाँ राज जय सवाल, क्या करें, 100% 100% होने के चांसेस, होने के चांसेस होगा, 100% होगा 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 मेरे तरफ से भी है, ठीक है। लेकिन दूसरा सवाल ये है, क्या एनी चांसेस कि फर्स्ट ये जो अगस्त में होने वाला था वही होगा, वही डेट पे होगा? आई डोंट थिंक सो। वेल 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 आई डोंट थिंक सो। नहीं, 100% बच्चा नहीं होने वाला है, क्योंकि देखो अभी तक है ना अनाउंसमेंट नहीं हुई डेट की, अभी तक ये नहीं डिसाइड हुआ है कि कौन सी डेट को होगा, एप्लीकेशन ही लॉन्च नहीं हुआ, जो फॉर्म आप लोग भरते हो ना वो फॉर्म ही नहीं आया है। तो इस बेसिस पर हम कह सकते हैं कि नीट की जो एग्ज़ामिनेशन है वो पोस्टपोन्ड होगी, लेकिन कैंसिल बिल्कुल भी होने वाली नहीं है, और 100% बच्चा वो अगस्त में तो नहीं होगा लेकिन डेट आगे जाने वाला है, ये तो कंफर्म है, ये तो कंफर्म है, ठीक है, ये तो कंफर्म है। चलो तो अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं बच्चा लोग, लेट्स बिगिन द क्लास। ओके नॉट अ प्रॉब्लम, दोज हु हैव जस्ट जॉइन द क्लास प्लीज हिट द लाइक बटन फटाफट, प्यार का बटन बच्चा पार्टी दब जाना चाहिए था यार, ये कहाँ खुल गया। हाँ जी तो प्यार का बटन जल्दी से दबा दीजिएगा, हिट द लाइक बटन मेरे प्यारे बच्चा पार्टी एंड लाल बाल गोपाल, एंड शेयर द वीडियो मैक्सिमम। यार कमाल करते हो यार बच्चा लोग, मज़ा तभी आएगा जब सारे बच्चे जुड़ोगे, वरना फिर आशा से मेरे को कोई आशा रह नहीं जाएगी। क्या बोलते हो शुक्ला जी? ठीक है चलो तो स्टार्ट करते हैं भगवान का नाम लेकर के, देखते हैं मेरे प्यारे लाल बाल गोपाल, श्री अम्बे माता की जय हो। सो बच्चा लोग यस से योर बाबा SSP इज नाउ गोइंग टू प्रेजेंट योर चैप्टर नंबर 2, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। एंड मेरे प्यारे बच्चा पार्टी, टॉपर्स बनने के लिए आपको एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी की जरूरत है,
प्रॉपर स्ट्रेटजी की का मतलब होता है सही समय पर सिलेबस को ख़त्म करना, मॉक टेस्ट लगातार देना, मल्टीपल टाइम रिवीजन करना। ये बहुत खास बातें होती हैं जो एक विद्यार्थी को, एक स्टूडेंट्स को टॉपर बनाता है और एक स्टूडेंट्स को एक एवरेज स्टूडेंट्स बना करके रख देता है, ठीक है। अगर आप इन बच्चों को देखेंगे, बच्चा पार्टी, तो इन लोगों के स्कोर को देखिए, 682, 670, 670 एंड 662, ये सारे रिजल्ट्स, ये सारे बच्चे वेदांतों के वेव प्लेटफॉर्म से लेकर के आए हैं। आप जो कुछ भी मुझसे पढ़ रहे हो बच्चा लोग YT सेशन पर, इसके अलावा भी मैं वेदांतु के वेव प्लेटफॉर्म पर भी पढ़ाता हूँ बच्चा, जहाँ पर आप बैचेस के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी सीखोगे, आपको पर्सनल मेंटर मिल जाता है, आपकी लाइव क्लास के अंदर ही डाउट सॉल्विंग का करिश्मा हो जाता है बच्चा पार्टी, चैट सेक्शन ऑफ होता है वेदांतु के वेव प्लेटफॉर्म पर, जिससे बच्चों को कोई इंट्रैक्शन ना हो। इन शॉर्ट मैं बोलूं तो आपकी कंप्लीट ईयर लॉन्ग की प्लानिंग अगर आप कर रहे हैं 2022 और 23 के बच्चा लोग हैं, तो जरूर वेदांतु के सब्सक्रिप्शन को ले सकते हैं बच्चा लोग। आप लोग 5000 आवर्स की लाइव क्लासेस है, द बेस्ट पार्ट इज कि इंग्लिश हिंदी के बच्चा पार्टी के लिए भी ऑप्शन अवेलेबल है। एक बार ज्वाइन करोगे तो साथ में आपको क्रैश कोर्स, जब आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन आएगी, नीट एग्जाम आएगा, तो अभी से अगर आप ईयर लॉन्ग सब्सक्रिप्शन ले लेते हो बच्चा लोग, तो आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं, क्रैश कोर्स भी कर लोगे और बोर्ड की भी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो बहुत ज़्यादा नहीं बच्चा पार्टी, आप सिर्फ एक महीने का सब्सक्रिप्शन लेकर के देखिए, बिकॉज हम लोग आपको गारंटी दे रहे हैं, मनी बैक गारंटी, 100% इंप्रूवमेंट होगा बच्चा। काइंडली यूज दिस कोड विच इज SUPRO। सर आपके इस बैच को ज्वाइन करने के लिए जाए कहाँ? घर नहीं जाना है बच्चा लोग, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ पर एक लिंक दिया है, कृपया करके उस लिंक पर क्लिक करो बच्चा लोग, यू विल गेट दैट लिंक टू ज्वाइन अवर ईयर लॉन्ग बैच। एंड काइंडली यूज द सुप्रो कोड, आपको सिर्फ 3600 पे ही करना होगा अगर आप ये सुप्रो कोड लगाते हो तो। चलिए थैंक यू निखिल, मे मेकिंग दिस वंडरफुल स्लाइड। एंड अगर हम बात करें बच्चा लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक का, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक से 2 से 3 सवाल पूछे जाने के फुल चांसेस होते हैं। पहला जो होता है वो आपका कूलम्स लॉ और वो सब, जो पहला सेगमेंट हम लोग पढ़ चुके हैं, और जो दूसरा आता है बच्चा लोग वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का। वेल, मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पर जाऊँ, ये सारे फॉर्मूले को एक्सप्लेन करूं, उससे पहले जरा हम लोग रिकॉल मारते हैं कल की क्लास को। सारे बच्चे क्वेश्चन का आंसर दोगे? इट इज क्वेश्चन आंसर टाइम, रिकॉलिंग टाइम। आगे बढ़ने से पहले एक बार हम लोग रिकॉल मारेंगे कल क्या सिखाया था मैंने आपको, क्वेश्चन आंसर टाइम। चलो बताओ, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, पहले बताओ यार, यू गाइस आर रेडी टू आंसर दिस क्वेश्चन और नॉट? लिख लिख के पढ़ेंगे हर चीज़, और ये जो भी यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा बच्चा, वो आपको PDF के फॉर्म में मिल जाएगा, तो आप उसकी चिंता ना करें, हर चीज़ आपको समझाई जाएगी। इट्स अ क्वेश्चन टाइम। हाँ जी, सवाल पूछो, तैयार? सारे बच्चे तैयार? जरा लिख दीजिए फटाफट, यस नो में जवाब दे दीजिए। एंड जो भी बच्चा सेशन को अभी तक अपना प्यार नहीं दिया है, सेशन को हमको नहीं देना है, ठीक है, सेशन को प्यार नहीं दिया, लाइक का बटन नहीं दबाया, उसे भैंस वाला इंजेक्शन मिलेगा, बहुत ज़्यादा दर्द करता है बच्चा लोग, कोरोना का कोविशील्ड का इंजेक्शन बहुत खतरनाक होता है, तो ये तो भैंस वाला इंजेक्शन है, तुम्हारे प्राणी ले लेगा, तो जल्दी से लाइक का बटन दबा देना। यस सर, ऑल द बच्चा पार्टीज आर रेडी, दैट्स ग्रेट ओ माय डियर स्टूडेंट्स। नाउ टेल मी, अगर मैं किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक चार्ज पार्टिकल को रखता हूँ, तो उसके ऊपर लगने वाला जो एफ नेट है वो क्या होगा? ये सारी चीज़ें मैंने कल लिख लिख के आपको पढ़ाई हैं, डिटेल में समझाया, पूरा डिटेल क्लास है, फील के साथ पढ़ेंगे आज की भी क्लास, फील के नाम। सो एफ नेट कितना? नहीं यार, एफ दो तरीके का है। अगर हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल को रख रहे हैं, तो उस पर दो काम हो रहा है, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से काम हो रहा है, और दूसरा आप एक्सटर्नल एजेंट बन के काम कर रहे हो, तो एफ नेट कितना? एफ नेट कितना मेरे प्यारे लाल बाल गोपालो? एफ नेट कितना? एफ नेट कितना? एफ नेट कितना? एफ नेट कितना? भजिया, वेरी गुड, दिस इज द करेक्ट आंसर। भजिया मतलब होता है जीरो, जो बच्चे नए हैं मुझे नहीं जानते वो याद रख लो, भजिया मतलब जीरो, ठीक है। तो किसी भी चार्ज पार्टिकल को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं बच्चा, तो उस पर नेट फोर्स जीरो होता है, ऐसा तब जब आप उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का भी फोर्स इमेजिन कर रहे हो और एक्सटर्नल भी कर रहे हो, तो इसका वैल्यू होता है जीरो। ओके, अब VP बराबर में W बाई Q, क्या ये रियल इक्वेशन है पोटेंशियल का? इज दिस द रियल इक्वेशन ऑफ पोटेंशियल? क्या VP इज इक्वल टू W बाई Q इज द रियल इक्वेशन ऑफ पोटेंशियल? इट्स नॉट अ रियल इक्वेशन, बट वी कैन से कि हाँ, एक तरह का इक्वेशन है। अच्छा, क्या किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे पोटेंशियल VP इज इक्वल टू माइनस में इन्फिनिटी से लेकर के PE.dr, दिस वन इज द करेक्टो इक्वेशन, फाइनल वालो इक्वेशन? इज दिस द करेक्टो इक्वेशन माय डियर बच्चा पार्टी?
100% दिस इज द करेक्ट इक्वेशन किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे. अच्छा ये बताओ वी पी माइनस वी क्यू इज इक्वल टू माइनस में पी टू क्यू ई डॉट डी आर, क्या ये पोटेंशियल डिफरेंस का करेक्ट इक्वेशन है? बोला क्या दिस इज द करेक्ट इक्वेशन ऑफ पोटेंशियल? अंजलि अंजलि क्या ये करेक्ट इक्वेशन है? क्या ये करेक्ट इक्वेशन है? रोंगीला माय बच्चा पार्टी, रोंगीला रोंगीला मतलब गलत आंसर है. दिस इज नॉट अ करेक्ट इक्वेशन. वेल हाउ कैन आई से दिस, मैं कैसे कह सकता हूँ कि सही इक्वेशन नहीं है? कैसे कह सकते हैं कि सही इक्वेशन नहीं है? आपको मैंने कल एक लॉजिक बताया था कि जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप पोटेंशियल निकालते हो, जो पहले लिखते हो, वो हमेशा लिमिट में टॉप पे होना चाहिए. याद आया कुछ? वो हमेशा कहाँ होना चाहिए बच्चा लोग? वो हमेशा कहाँ होना चाहिए बच्चा पार्टी? वो हमेशा कहाँ होना चाहिए बच्चा लोग? टॉप पर होना चाहिए. तो अगर वी पी माइनस वी क्यू है तो पी पॉइंट यहाँ पर आएगा, इसलिए करेक्ट आंसर आता है वी पी माइनस में वी क्यू इज इक्वल टू माइनस में Q से लेकर के P एंड देन वी हैव E डॉट में DR. और क्या सीखा था? वेरी गुड, दिस इज द करेक्ट इक्वेशन. और बताइए और क्या सीखा था हम लोगों ने कल? ये तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, पोटेंशियल हो गया. इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में रिलेशन E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर, क्या ये करेक्ट इक्वेशन है? इट्स ओके सोनिया बच्चा, क्या ये करेक्ट इक्वेशन है? यू शुड स्टडी बोथ श्रीचंद चक्रवर्ती, क्या ये करेक्ट इक्वेशन है? ई इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर, वेरी गुड. ई एक्स इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी वाई. क्वेश्चन आंसर रैपिड फायर राउंड माई बच्चा पार्टी, करेक्ट और रॉन्ग, करेक्ट और रॉन्ग. रॉन्ग कैसे? क्योंकि आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो एक्स, ई एक्स इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन, तो ये होना चाहिए माइनस डी वी बाई डी एक्स, ना कि डी वी बाई डी वाई. तो ये आपका रॉन्ग है. ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कल पढ़ ली थी बच्चा लोग अच्छे से, और आपको प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कराए थे. अब देखो आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, बहुत ध्यान से सुनना. मैं पूरा प्रूफ करा रहा हूँ, क्रैश कोर्स के टाइम में प्रूफ नहीं करेंगे, अभी स्टार्टिंग में हर चीज़ प्रूफ करते हैं, समझते हैं फील के साथ. अभी अपने को करना है पोटेंशियल निकालना है सॉलिड स्फीयर के लिए, पोटेंशियल निकालना है सेल के लिए, पोटेंशियल निकालना है रिंग के लिए, और पोटेंशियल निकालना है डिस्क के लिए. राइट इतनी चीजें आज हम लोग सीखने वाले हैं. सो सारे बच्चे तैयार? एक एक करके सीखते आ जाओ. लेट्स फील ऑफ पोटेंशियल. फिलाइला फिलाइला फिलाइला. पोटेंशियल विथ फी. आ भी जाओ बच्चा पार्टी. सबसे पहले यार तुम माइक ही गिर गया तुम तो. माइक वापस सही कर लेते हैं. चलो सबसे पहले बच्चा लोग हम लोग लेने वाले हैं एक रिंग. इस रिंग की वजह से निकालने वाले हैं पोटेंशियल. तो रिंग देखा है ना बच्चा लोग आप लोगों ने? हाँ वही खूबसूरत सी रिंग बच्चा पार्टी, जो आप आने वाले समय में किसी को दे दोगे. बराबर एक लड़के को तो बहुत ज़्यादा ही मेरे से प्यार है भाई, रोज़ बकैती करने चला आता है. चलो तो ये है बच्चा पार्टी आपके सामने खूबसूरत सी प्यारी सी रिंग. इस रिंग के ऊपर है चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन. रिंग थोड़ी सी टेढ़ी है बच्चा लो, नकली वाली है. इसके ऊपर है चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन. राइट हो. अब इस चार्ज रिंग की वजह से ये सेंटर से लेकर के यहाँ तक एक डिस्टेंस है. चलो सपोज कर लेते हैं ये डिस्टेंस आपका x ले लेते हैं, ये डिस्टेंस आपका x है और इसका रेडियस r है. यहाँ पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मुझे पोटेंशियल निकालना है. बोलो बच्चा पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था? V इज इक्वल टू के क्यू बाई आर, यस और नो? करेक्ट है. लेकिन ये जो V इज इक्वल टू के क्यू बाई आर फॉर्मूला लगता है, वो तब लगता है जब हमारे पास एक पॉइंट चार्ज हो.
क्या यहाँ पर पॉइंट चार्ज है? नहीं 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 सर, यहाँ पर पॉइंट चार्ज बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है। ये बात सत्य है कि मुझे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला वी इज इक्वल टू के क्यू बाई आर सर, एकदम परफेक्ट। लेकिन के क्यू बाई आर तब लगता है वेन क्यू इज अ पॉइंट चार्ज, बट दिस इज नॉट अ पॉइंट चार्ज माई डियर स्टूडेंट्स, दिस इज अ चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। करेक्ट ही लो, करेक्ट ही लो, मतलब करेक्ट है क्या के क्यू बाई आर? अब प्यारे मेरे लाल बाल गोपाल, मान लो कि यहाँ पर एक स्मॉल एलिमेंट हमने लिया, इस स्मॉल एलिमेंट का चार्ज डी क्यू है, तो क्या अब के क्यू बाई आर लगाया जा सकता है? तो इस डी क्यू की वजह से यहाँ पर जो पोटेंशियल मुझे निकालना है उसको तो मैं डी वी लिखूंगा, और वो हो जाएगा के डी क्यू अपॉन में डिस्टेंस आर। क्या होगा वो बताओ, वॉट शुड बी द वैल्यू ऑफ के क्यू बाई आर में दैट आर इन दिस डायग्राम? वॉट शुड बी द वैल्यू ऑफ दैट के क्यू बाई आर में जो आर है वो इस डायग्राम में क्या है? यस करेक्ट माई डियर बच्चा पार्टी, मेरे प्यारे लाल बाल गोपाल, दिस इज गोइंग टू बी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ओ सर ये कैसे आया? तो यहाँ पर बच्चा 90 डिग्री का एंगल है, ये हमारा लग जाएगा बाबा पाइथागोरस, उन्होंने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ऐसा पाइथागोरस ने कहा था, ऐसा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। तो ये आया ढिचकियाँ अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ रख दो, तो के डी क्यू एंड देन वी हैव अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर। अरे बाप रे गजब, अभी डी वी से वी पे जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? लिखा चार्ट सेक्शन के अंदर, अगर डी वी से हमें वी पे जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? अगर मुझे डी वी से वी पे जाना है बच्चा लोग, तो क्या करना पड़ेगा वो बताओ। इंटीग्रेशन, करेक्ट हो, करेक्ट हो माई लाल बाल गोपालो, हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन में के तो कांस्टेंट दिख रहा है और अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर भी दिख रहा है, तो बच गया अंडर रूट में डी, इंटीग्रेशन में डी क्यू। लिमिट क्या से क्या होगी वो बता दो। अरे भाई साहब लिमिट कुछ भी हो, डी क्यू का तो आंसर सीधा सीधा के आ जाना है, इसीलिए के कैपिटल क्यू, यानी इसके ऊपर टोटल चार्ज कैपिटल क्यू दे रखा है, तो के क्यू अपॉन में आर का स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर। क्या ये पोटेंशियल ड्यू टू रिंग है मेरे लाल बाल गोपाल, और ये क्या आप जीवन काल के अंत समय तक याद रखोगे? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माई निटानियन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि किसी भी रिंग की वजह से पोटेंशियल निकालना है तो वो पोटेंशियल सेंटर से कुछ डिस्टेंस पर, उसका फॉर्मूला है के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बोलो पिक्चर क्लियर? हाँ ये बात हुई मैत्री, बहुत अच्छे बच्चे। बोलो पिक्चर क्लियर? आनंद की अनुभूति, इसका एक नीटो प्रॉब्लम ले लो। बोलो कि सर नीटो प्रॉब्लम क्या है? तो नीट वाला प्रॉब्लम, यानी नीटो प्रॉब्लम। मान लो बच्चा ऐसा क्वेश्चन दिया है, इसको थोड़ा 3D में दिखाते हैं। ये ऊपर वाला जो पोर्शन है मेरे प्यारे लाल बाल गोपाल, उस पर चार्ज क्यू, और नीचे वाला जो पोर्शन है मेरे लाल बाल गोपाल, उस पे ले लो चार्ज तुम डू क्यू। और पूछा जा रहा है बच्चा लो कि यहाँ से एक्स जितने डिस्टेंस पर, ये आर और ये भी आर, नहीं चलो यहाँ पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पोटेंशियल कितना, व्हाट शुड बी द आंसर? चलो व्हाट शुड बी द आंसर, आंसर क्या होना चाहिए? बोलो बच्चा लोग, के क्यू बाई रूट टू आर, 3 KQ/√2R। सोनिया बच्चा जितने भी प्रॉब्लम्स आते चले जाएंगे ना, उन सभी प्रॉब्लम्स को आप पूछते चले जाना, आई वुड लव टू एक्सप्लेन। ठीक है
बोलो बच्चा क्या आंसर आएगा? हाँ जी सोचो। थ्री के क्यू बाय रूट टू आर, के क्यू बाय रूट टू आर, थ्री के क्यू बाय रूट टू आर। राज जायसवाल क्वेश्चन समझ में नहीं आया, आप देखो ध्यान से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस रिंग पे टोटल दो सेगमेंट में हमें इस तरह से दिया हुआ है कि ये वाला जो पोर्शन है इस पे चार्ज कितना है, कैपिटल क्यू, राइट, आधा रिंग। और ये वाला जो सेगमेंट है बच्चा, इस पे भी चार्ज दे रखा है टू क्यू। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पोटेंशियल तो दोनों की वजह से मिल रहा है, के क्यू और आर के हिसाब से भी, और फिर के टू क्यू और फिर इसके हिसाब से भी। क्या ये बात समझ पड़ा बच्चा लोग? ये जो अपर पार्ट है इसकी वजह से भी यहाँ पोटेंशियल मिलेगा, और ये जो लोअर हाफ है उसकी वजह से भी तो पोटेंशियल मिलेगा। पोटेंशियल तो दोनों की वजह से मिलने वाला है। तो अब यही चीज़ यहाँ पर है बस, और कुछ नहीं है, यही कॉन्सेप्ट है और ये लॉजिक। चमकीलो, अब सोचो, ये आर, ये आर, तो ये डिस्टेंस कितना, दिस इज गोइंग टू बी रूट टू आर। क्या ये चमका हर बच्चे को? क्या ये फिलाइला है? फिलाइला, फिलाइला, फिलाइला मतलब समझ आईला। और वैसे ही 2q की वजह से ये जो डिस्टेंस आया वो आपका रूट टू आर हो गया, बिकॉज दैट इज पाइथागोरस, है ना। तो बच्चा रूट टू आर और ये रूट टू आर, अब सीधा सीधा फॉर्मूला लगा दो कि दैट पर्टिकुलर पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो होगा k, फिर यहाँ पर कैपिटल Q, फिर ये डिस्टेंस रूट टू आर प्लस के टू क्यू अपॉन में रूट टू आर। कुछ बच्चे सही आंसर दे रहे थे, जिसमें से विन्नी का मेरे को नंबर याद आ रहा है चैट सेक्शन, करेक्ट आंसर है 3 के क्यू बाई रूट टू आर। हाँ, फील आया मेरे प्यारे लाल बाल गोपाल। तो पोटेंशियल ड्यू टू रिंग के क्यू बाई अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और इसके क्वेश्चन कैसे होते हैं, बिल्कुल डिटो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, वो आपके सामने आ गए, राइट हो। चलो तो आगे बढ़ लेते हैं, अब बात करते हैं पोटेंशियल विद फील्ड में, अगला सेगमेंट। तो पोटेंशियल विथ फील, आ भी जाओ मेरे लाल बाल गोपाल, ये देखते हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा कि रिंग है तो उसकी वजह से क्या पोटेंशियल का फॉर्मूला है। अब बात करते हैं बच्चा पार्टी सेल की वजह से, ड्यू टू सेल। सेल समझते हो, ये वाली सेल, क्या सेल के अंदर चार्ज रख सकते हैं? कैन वी प्लेस द चार्ज इनसाइड द सेल? नहीं, हम सेल के अंदर चार्ज को रख नहीं सकते। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि चार्ज पार्टिकल सिर्फ सरफेस पर होते हैं, जहां पर मैटर होगा, जहां पर मास का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वहीं पर होंगे। तो यहां पर रख सकते हैं लेकिन अंदर नहीं रख सकते, क्योंकि ये पूरी तरह से खोखला है, अंदर कोई स्पेस है ही नहीं है भाई साहब, तो अंदर काहे ले रखेंगे, चार्ज रखाएगा ही नहीं, तो रखने की बात ही छोड़ दो। अब बच्चा इसको बहुत ध्यान से समझना, इसका रेडियस कैपिटल आर है, ठीक। अगर मैं बाहर के किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक सॉरी पोटेंशियल निकालने जाऊं, ठीक है, तो सिचुएशन ये है, केस वन, आउटसाइड। मैं चाहूं तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिखूं, लेकिन डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, आपको फील कराऊंगा, बहुत ध्यान से देखना। तो अगर हम आउटसाइड जाते हैं तो आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर है, राइट, आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर है। क्या ये बात समझ पड़ा आपको? स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, करेक्ट, यस, स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, जी सर, वेरी गुड सुमित कुमार साहू। जितने बच्चों बहुत ध्यान से सुनो, क्योंकि बहुत कम मौके आएंगे कि सेशन में इतने स्टूडेंट्स होंगे, तो आप लोग पूरे ईयर लॉन्ग बैच वाले बच्चा हो, तो बहुत ध्यान से, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो बेझिझक होकर के पूछो, ठीक है, क्योंकि फिर संख्या बढ़ेगा बाद में, तो फिर मैं शायद आप लोगों से इतना खुल करके सब कुछ आपके रिस्पॉन्स ना दे पाऊँ। इसीलिए कम स्टूडेंट्स हैं तो मेरे को बहुत दिल से याद रहेगा कितने सारे बच्चे रेगुलर हो और क्या हो, तो कुछ भी प्रॉब्लम हो तो बेझिझक होकर पूछना, उसको फील कर लेते हैं। तो स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर ईजिली हमें दिखाई दे रहा है। अब बच्चा सोचो कि अगर मुझे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, करेक्ट हो, तो हमारा जो फॉर्मूला था कि वी ए माइनस में वी बी इज इक्वल टू माइनस में बी और फिर ये ए ई डॉट में डी आर, यही इक्वेशन है ना, इक्वेशन तो यही है। अब मेरे पास दो पॉइंट है, एक तो ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट,
तो क्यों ना बच्चा पार्टी मैं यहाँ पर लिख दूँ वी स्मॉल आर एंड देन वी कैपिटल आर, और फिर ये माइनस में कैपिटल आर, और फिर ये स्मॉल में आर, और फिर मैं ये ई डॉट में डी आर लिख दूँ। कैन वी राइट लाइक दिस, ट्राई टू फील पॉइंट बच्चा लोग। ये दो पॉइंट कौन से हो गए? ये दो पॉइंट हैं, एक बाहर का और एक अंदर का, क्योंकि असलियत में पोटेंशियल का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता, पोटेंशियल डिफरेंस का एग्जिस्टेंस होता है हमेशा। जैसे आपने 10 वोल्टेज बोला तो इट इज़ लाइक 10 माइनस जीरो, और वो जो जीरो है वो कहाँ से है? वो इन्फिनिटी से आता है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं पोटेंशियल एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, उसका कोई मतलब नहीं है, वो पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक, तो मैंने दो पॉइंट का डिफरेंस लिया, अब मुझे चाहिए ये v स्मॉल r। शुक्ला यार, शुक्ला क्या कर रहा है यार? हाँ, तो हमने यहाँ पर लिया v स्मॉल r, करेक्ट। चलो तो मैं यहाँ से इसको सब्जेक्ट बना देता हूँ, v स्मॉल r इज इक्वल टू v r, फिर माइनस में कैपिटल R से लेकर के R, एंड देन बच्चा पार्टी e डॉट में dr। अब सोच समझ के मुझे जवाब देना, बच्चा पार्टी बच्चा पार्टी बच्चा पार्टी। बहुत ध्यान से सोच समझ करके जवाब देना मेरे लाल बाल गोपाल। ये जो वी आर है इसका क्या मतलब है? टनिंग 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 टनिंग, ये जो वी आर है इसका क्या मतलब है? ये जो वी आर है इसका क्या मतलब है बोलो, आंसर दीजिए। ये जो वी आर है इसका क्या मतलब है? कैपिटल वाला वी आर। हाँ हाँ, विनीता, पोटेंशियल ऑन द सरफेस। और भैया नीट पोटेंशियल, नीट 2022 के लिए है बीस्ट पार्टनर, कमाल करते हो यार। पोटेंशियल ना बच्चे, आर्ट इन्फिनिटी क्यों बोल रहे हो? V कैपिटल R का मतलब है R डिस्टेंस पे, यानी पोटेंशियल यहां पे। क्या आप यहां यानी सरफेस पर हो? आप सरफेस पे हो ना बच्चा पार्टी। अगर हम VR बोल रहे हैं तो VR ऑन द सरफेस। क्या सरफेस पे हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दें KQ बाई कैपिटल R? क्योंकि R जितने डिस्टेंस पर सरफेस पर, तो KQ बाई R ही होता है, करेक्ट मेरे प्यारे बच्चा? तो KQ बाई कैपिटल R, फिर माइनस में, तो लिखा मैंने माइनस, फिर E डॉट dr का आंसर कल वाला है KQ बाई R का स्क्वायर। KQ को बाहर कर दो तो R की पावर -2+1 अपॉन -2+1 लिमिट आएगा R से लेके R तक। बोलो चमचम चमकीलो। दिस इज द रियल फील। जो बच्चा बाद में देखेगा उसे भी मज़ा आएगा, और आप लोगों को तो ज़्यादा मज़ा आएगा क्योंकि आप लोग लइए हो देख रहे हो बच्चा लोग। वेरी गुड, मुझे खुशी इस बात की है कि सारे बच्चों को समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे। और बहुत कम मौके मिलते हैं ऐसे बच्चा जहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के साथ मैं ज़्यादा इंटरेक्ट करूँ, तो यू गाइज आर वेरी क्लोज टू माई हार्ट, थैंक यू सो मच। चलो बहुत अच्छे, दैट्स ग्रेट। तो अब देखो ये हुआ KQ बाई कैपिटल R, सॉल्व कर लेते हैं माइनस। बच्चा ये -2+1 तो इसको प्लस बना देगा, और R की पावर -2+1 है तो R -1 होगा, यानी 1/R। तो ये आया KQ, पहले आप लिखोगे अपर लिमिट, माइनस में लिखोगे लोअर लिमिट। वाह क्या बात है सर, गजब की फील है। अच्छा ये तो गलत लिख दिया मैं, 1/R। लेट्स ओपन द ब्रैकेट। तो जैसे ही तुम ओपन करोगे ब्रैकेट तो ये आता है KQ/R, ये वाला, फिर प्लस KQ को अंदर भेज दो तो अपॉन में स्मॉल R। अरे मोरी माई रे, ये कट गया। तो बच्चा VR बराबर आ गया KQ/R, ये लीजिए प्रॉपर फील के साथ। लव यू ऑल माय डियर बच्चे। तो VR इज इक्वल टू KQ/R, दिस इज द पोटेंशियल ड्यू टू द नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। वर्ड याद रखो, पोटेंशियल ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, और द पोटेंशियल ड्यू टू होलो स्फीयर एट अ पॉइंट विच इज आउटसाइड ऑफ इट का फॉर्मूला आपके सामने है, दैट इज KQ/R। अब न्यूटनियन बच्चा, इसे तुम्हें फॉर्मूले को अच्छे से याद रख लेना है ना। बोर्ड्स वाले बच्चा पूरा डेरिवेशन आ सकता है, आपके टेक्स्ट बुक के लिए नहीं है, हाँ नहीं आएगा, ये चिंता मत करो। बट मे बी अगर तुम में से कोई ICSE वाले स्टूडेंट्स हो तो ये आता है, 100% आता है, एज अ न्यूमेरिकल के फॉर्म में आ सकता है कि आउटसाइड क्या होगा, तो आपके सामने ही है, दैट इज़ VR इज इक्वल टू KQ/R। स्क्रीनशॉट ले लीजिए
और कल वाली नोट्स बच्चा जो मैंने लिखा था और आज वाले क्लास की जो नोट्स है वो दोनों ही मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। कल शायद प्रोवाइड किया था, आप लोगों ने डाउनलोड कर लिया था। चलो टुक अ स्क्रीनशॉट देन से, अगर स्क्रीनशॉट ले लिया तो फिर बता दो। स्क्रीनशॉट हो गया हो तो बता देना बच्चा लोग। डन, चलो ग्रेट। ये बच्चा क्या निकाल लिया आपने, ये आपने निकाल लिया आउटसाइड और आपने निकाल लिया सरफेस। सरफेस को तो निकालना ही नहीं, सरफेस का तो साफ साफ पता ही चल रहा है कि KQ बाई कैपिटल R ही होगा। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर मान लो मुझे इनसाइड निकालना है, इनसाइड यहाँ पे, यहाँ मुझे निकालना है, ये ऐसे, ये डिस्टेंस मेरा आर है, तो अब जब मैं वापस फॉर्मूला लिखूंगा वी आर माइनस में वी कैपिटल आर इज इक्वल टू माइनस में आर से लेकर के स्मॉल आर ई डॉट में डी आर, तो कौन मुझे बताएगा कि ये जो ई है उसकी वैल्यू क्या है, इस इक्वेशन में ई की वैल्यू क्या है। आई एम टॉकिंग अबाउट द पॉइंट विच इज इनसाइड, ट्राई टू फील माई बच्चा पार्टी, डोंट गो फॉर द रेटिफिकेशन यार, हम लोग क्रैश कोर्स नीट का बहुत बार करेंगे, चिंता मत करो, वन शॉट में उड़ाएंगे, लेकिन फील कर लो, हियर अ लॉन्ग बैच है। जीरो, वेरी गुड राज, बहुत अच्छे बच्चे, दैट ई वुड बी जीरो, है ना। तो ये जो ई जीरो होगा तो ये स्टेप जीरो हो गया। ओ सर गोटिला, सर गोटिला गोटिला गोटिला, यानी अगर मैं वी आर को सब्जेक्ट बनाऊँ तो वह एग्जैक्टली वी आर के बराबर होगा। ये चीज़ क्या प्रूफ कर रही है कि अंदर के पॉइंट पे पोटेंशियल उतना ही होगा जितना कि सरफेस पर होगा। ये देखो, अंदर के पॉइंट पर पोटेंशियल उतना ही होगा जितना कि सरफेस पर होगा। तो बच्चा ये आपका इनसाइड है, ये आपका आउटसाइड है, ये सरफेस पर है और ये आपका इनसाइड है। नाउ हर्ष रंजन इज आस्किंग, और कसम से मन कर रहा है हर्ष रंजन तुम्हारी मुंडी दबा दूं मैं, लेकिन नहीं दबाऊंगा बच्चा, क्योंकि हमारे सामने सिर्फ कैमरा है। बच्चा स्फेरिकल सेल है ना, तो सेल के अंदर चार्ज पार्टिकल्स होने के चांस ही नहीं है, सारे चार्ज बाहर होते हैं। अगर अंदर है ही नहीं चार्ज पार्टिकल्स, रखे ही नहीं हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भजिया मिलेगा। सेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, गॉस लॉ में हम प्रूव कर चुके हैं। तो ये स्टेप जीरो हो गया, तो वी आर बराबर वी आर हुआ, और वी आर आपका KQ बाई आर तो है ही। चलो फील आया बच्चा लोग, हाँ। अब इस पर से ना नीट और जेई मेंस बड़े सारे सवाल पूछे हुए हैं, अभी हम इस क्वेश्चन की ही प्रैक्टिस करने वाले हैं, सेल के क्वेश्चंस करेंगे और बहुत सारे करेंगे, 3-4 कराऊंगा मैं अभी, ताकि पूरा क्लियर हो जाए, ठीक है। हर बच्चा बता दे सबको समझ में आया, विन्नी गायत्री ठाकुर, तीनों याद होना चाहिए, एकदम मुंह जुबानी याद होना चाहिए कि स्फेरिकल सेल है तो सरफेस पे कितना, इनसाइड कितना और आउटसाइड कितना। ये प्रूफ आप भूल जाओगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट ये फील के लिए आपको करा रहा हूँ बच्चा, दिस इज रियल फील ऑफ फिजिक्स, ठीक है। एक एक चीज डेप्थ में, क्योंकि ईयर लॉन्ग बैच है। अब इसे क्वेश्चन 4-5 करेंगे हम, चिंता ना करो, अभी करेंगे, नीटो प्रॉब्लम्स करेंगे, लेकिन पहले बता दो हर बच्चे को एकदम दिल से याद हो गया ये, सही बच्चे को याद हो गया। ताइबा बच्चा साथ में बने रहो, सब समझ में आ जाएगा। DPP कहाँ मिलेगी बच्चा, तो टेलीग्राम के अंदर, ठीक है। फील आ गया, फील आया, पूरा फील एकदम अच्छे से, लाइफ टाइम तक नहीं भूलोगे बच्चा, जीवन काल के अंत समय तक। सर जीवन काल के अंत समय तक, सर ससुर हमको याद ही नहीं है सर क्या हुआ, लेकिन याद तो रहेगा। चलो, वो इज द काइंड ऑफ एनर्जी सुमित, वेरी गुड। ओके सो लेट्स हैव सम प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन दिस सेल, राइटो आ जाओ। तो कुछ प्रॉब्लम्स मैं आपको कराता हूँ, मेरे शीट के अंदर भी प्रॉब्लम्स हैं। अच्छी चीज़ ये है कि जो भी लिखूंगा ये डिलीट नहीं होगा, जब तक हम डिलीट नहीं करेंगे, रफ नहीं करेंगे। तो हम सवाल हमारे स्लाइड से लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड बच्चा, स्लाइड से क्वेश्चन लेते हैं। ये आया पहला सवाल, देखिए जरा ध्यान से। तो बच्चा सवाल आपके सामने दिखाई दे रहा है, ट्राई करना चाहोगे आप लोग, जरा ध्यान से क्वेश्चन देखिए। शेख रहर बच्चे, इट्स ओके, कोई बात नहीं। तो क्वेश्चन है नॉन कंडक्टिंग होलोस्फीयर ऑफ रेडियस आर, आप देख सकते हो यहाँ पर एक रेडियस कैपिटल आर है और दूसरा रेडियस कैपिटल 2R है, करेक्ट बच्चा, आर और दूसरा 2R है, पे चार्ज बच्चा पार्टी कैपिटल क्यू है और दूसरे पे चार्ज कैपिटल 4Q है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ स्फीयर ए एंड बी, ए कौन सा था, चलो ये आपका ए है और ये आपका बी है। ये सवाल मैं कराता हूँ बच्चा लोग,
दिल से सुनना, क्योंकि ये क्वेश्चन करने के बाद आप ऐसे 100 क्वेश्चन खुद ही बनाओगे और बाकी के लोगों से भी पूछोगे। मैं सिखाता हूँ, ध्यान से सुनिए, तैयार सीखने के लिए। राज जायसवाल बच्चे, इस चैप्टर की डीपीपी या सभी चैप्टर की डीपीपी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम के अंदर होती है, स्टे विद अस, सब मिल जाएगा, ठीक है। चलो मिलके करते हैं। अब हमेशा एक बात याद रखो, क्या बात याद रखना मैं बताता हूँ, मुझे और आपको मिल करके निकालना है पोटेंशियल ए पर और पोटेंशियल बी पर। अब एक बात बताओ बच्चा, इस सिस्टम में कितने चार्जेस अवेलेबल हैं? इस सिस्टम में कितने चार्जेस अवेलेबल है पहले वो बताओ, और ध्यान से सुनो, जैसे जैसे बोल रहा हूँ वैसे वैसे करोगे तो सेल के क्वेश्चन में कभी नहीं फंसोगे, पक्का है कभी नहीं फंसोगे, सभी क्वेश्चन को जान से मारोगे, ये मेरी गारंटी है, ये मेरा वादा है, और जो सिखा दूंगा वैसे कहीं नहीं सीख पाओगे। टोटल चार्ज नहीं, हाँ टोटल यही पूछा था, टोटल चार्ज कितने हैं? तो एक क्यू है और दूसरा 4Q है, दो लोग हैं, करेक्ट। इसीलिए पोटेंशियल के फॉर्मूले में हमेशा याद रखो बच्चा, सिस्टम में जितने चार्जेस होते हैं उतने बार KQ/R लगता है, तो मुझे लगेगा KQ/R दो बार, KQ/R दो बार, ठीक। एक तो खुद का ए वाले का और दूसरा बी वाले का, भले आप ए पे पोटेंशियल निकाल रहे हो बट ए वाले का भी और बी वाले का भी, राइट। अब जैसे ही तुमने ये ऑब्जर्व कर लिया कि सिस्टम में कितने चार्ज हैं, दो चार्ज हैं, दो बार KQ/R लगाएंगे, उसके बाद दूसरा सवाल खुद से करिए कि क्या जिस पर हमें पूछा है उसके अंदर कोई और सेल है, उसके अंदर मैंने बोला, बाहर नहीं। वी हैव टू फाइंड, हाँ वी हैव टू फाइंड पोटेंशियल ऑन दिस सेल। एंड माई क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू इस बच्चा पार्टी, क्या इस हाईलाइटेड के अंदर भी कोई दूसरा सेल है? नहीं, पक्का नहीं है, देख लो। इस हाईलाइटेड के बाहर कुछ भी नहीं है, मतलब अंदर कुछ भी नहीं है, इसके अंदर कुछ नहीं है, इसके अंदर को दूसरा कोई सेल नहीं है। क्या सब कुछ बाहर है? जो भी सेल है बाहर है, जो भी सेल बाहर है, जो भी सेल है वो बाहर है, यस। तो बच्चों ये वर्ड याद रख लो, आउटसाइड में रेडियस हमेशा सरफेस का लेना है, आउटसाइड में रेडियस हमेशा सरफेस का लेना है। कहने का मतलब ए पे चार्ज था आपका क्यू और उसका रेडियस है कैपिटल आर, प्लस बी उसके बाहर है तो उस पे है 4Q और उसका रेडियस है आपका 2R, यानी काट दोगे बच्चा तो ये आ जाएगा 3KQ/R, ये मेरा निकल गया पोटेंशियल ऑन ए पे। जब भी आप सेल के क्वेश्चन करो तो ये देखो कि किस पे निकालना है, अगर उस सेल के अंदर कोई है तो बात दूसरी है जो भी सिखाऊंगा, लेकिन उस पूछे गए सेल के बाहर कोई है तो जिसका जैसा रेडियस है वैसा लो, इसका रेडियस आर था ले लिया, इसका रेडियस 2R था ले लिया, खत्म। मजा आया? अब दूसरी बात ध्यान से सुनिए, मुझे और आपको मिल करके निकालना है बी पे भी, यहाँ बोला है ना बी पे भी निकालना है, बी पे भी निकालना है, तो अब बताओ क्या बी पे भी निकालने के लिए मुझे KQ/R दो बार लगाना पड़ेगा? यस और नो, शुड आई हैव टू अप्लाई KQ/R 2 times? यस, बी पे भी निकालने के लिए हमें KQ/R दो बार अप्लाई करना पड़ेगा, यस बच्चा, यस क्योंकि दो चार्जेस है ना और पोटेंशियल निकालने का तरीका ये होता है। लेकिन अब सिचुएशन बदल गई है, अब जो हमारा पूछा हुआ सेल है वो बाहर वाला है, ये वाला, क्या इसके अंदर सेल है? जो सिखा रहा हूं ना सुन लोगे ना बच्चा तो प्यार हो जाएगा न्यूमेरिकल के साथ, और नीट वाले बच्चों को, 90% नीट के बच्चों को फिजिक्स में प्रॉब्लम होती है इसलिए क्योंकि ध्यान से पढ़ते नहीं हो, बाकी फिजिक्स है बहुत आसान, जेई मेंस और एडवांस वालों को पहले पढ़ाता था मैं, यहाँ पर वेदांत मेडिसी पर जब से आया हूँ तब से मैं नीट वाले बच्चों को पकड़ा हूँ, तो कुछ नहीं है नीट में, करेक्ट। और जब आप ये याद रख लो, अब जब आपको पूछे हुए सेल के अंदर सेल पे सेल मिले तो IRS वर्ड याद रखो,
आई का मतलब है इनसाइड, आर का मतलब है रेडियस और एस का मतलब है आपका सरफेस। मतलब इनसाइड में रेडियस हमेशा सरफेस का लीजिए। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप ए पॉइंट का पोटेंशियल देख रहे हो तो के कैपिटल क्यू, लेकिन आपको रेडियस बड़े वाले का ही लेना है 2R, प्लस बी के 4Q और यहाँ पर भी आपका 2R ही आएगा। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि दोनों अंदर है, इसके अंदर है, दोनों नहीं, इस रेड वाले के अंदर ही है और अंदर हमेशा पोटेंशियल सरफेस का होता है। तो सरफेस के पोटेंशियल के लिए KQ बाय R में R किसका होगा? सरफेस का होगा। इसीलिए बच्चा आउटसाइड में रेडियस सरफेस का जैसा भी है वैसा लिख लो, आपको जैसे समझ में आए जैसा भी है वैसा लिख लो। और IRS याद रखो, इनसाइड में रेडियस हमेशा सरफेस का लेना है ताकि पोटेंशियल कांस्टेंट रहे। इसीलिए यहाँ 2R 2R है। आगे बढ़ने से पहले आप मुझे एक बार थम्स अप दे दो या मुझे बता दो कि आपको समझ में आए कि नहीं। नहीं, मैं इसी में पैपे करते रहूँगा और हम जब तक इसको तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक 4 से 6 सवाल करके आप कॉन्फिडेंट नहीं हो जाते हो तब तक। बाकी हर बच्चा कर सकता है इसको। फील आया? जस्ट ट्राई टू नोट डाउन दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। वेन एवर वी हैव टू डील द प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द सेल, तो क्या देखना है? सेल के अंदर अंदर है, तो अगर अंदर अंदर है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सबका सरफेस का रेडियस लेना है। लेकिन अगर बाहर है तो जिसका जैसा रेडियस है वैसा लेने का, जिसका जैसा रेडियस है वैसा लेने का। फील आया? वेरी गुड। तो इसका करेक्ट आंसर निकाल लो, क्या हो जाएगा? 5KQ/2R। तो ये आ गया आपका बी पे और ये आ गया 5KQ/2R। वेयर इज दैट 5KQ/2R? 5KQ/2R एंड 3KQ/R, 3KQ/R एंड 5KQ/2R। 2R ही तो होगा, रेडियस 2R है ना, 2R वाला ऑप्शन नहीं है, मिस्टेक किला। नहीं, 2R होना चाहिए, बाय मिस्टेक लिख दिया है। 5KQ/2R होना चाहिए यहाँ पे। बी इज द करेक्ट आंसर। अब आप बताओ अगर मैं ऐसे क्वेश्चन आपको दूँ तो आपको आएगा? नहीं, नो ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन बिल्कुल सही है, बाय मिस्टेक हो गया है। अब आप बोलो तो ऐसे क्वेश्चन में आपको दूँ तो कर पाओगे? इसी में एक क्वेश्चन पूछूं बच्चा, मेरे लाल बाल गोपालो, इसी पे एक क्वेश्चन पूछूं? देखो जान दो भाई, हाँ वापस आ गया। चलो रिपीट सर, हाँ आ जाओ देख लो। अब आप पे मैं भारी भरकम क्वेश्चन कराता हूँ, देखो ध्यान से। अरे मायरे, ये रेडियस R, ये रेडियस 2R और एक रेडियस ले लो, एक और सेल है ठीक है 3R, इन पे चार्जेस ले लेते हैं बच्चा लोग, Q 2Q एंड 3Q। इसका नाम देते हैं A, इसका नाम देते हैं B, इसका नाम देते हैं C, C पूरा यहाँ भरा हुआ है। सबसे पहला सवाल, इसी में 3 क्वेश्चन करेंगे ठीक है, पोटेंशियल एट सी, क्या आप लोग करोगे ट्राई? सही बच्चों को ट्राई करना। चलो ट्राई करो। ट्राई दिस बच्चा लोग। शुक्ला? यस सर। थोड़ा पानी पिलाओ। कैच, गुड 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 गुड। चलो ट्राई करो बच्चा लोग, पोटेंशियल एट सी निकालना है। जैसे सीखाया उसी लॉजिक को अप्लाई करो, यू विल गेट योर आंसर 100%।
हजरा नूरी बच्चा, कल 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 डीपीपी गई ही नहीं है, कल और आज के क्लास की मिला के आज चली जाएगी। टू के क्यू बाई आर, टू के क्यू बाई कैपिटल आर, विजय सिंह टू के क्यू बाई आर। सो वी हैव सेल पर सेल का प्रॉब्लम, सेल पर सेल का प्रॉब्लम बच्चा, सेल पर सेल का प्रॉब्लम बच्चा। ट्राई कर मेरे लाल बाल गोपाल, सेल पर सेल का प्रॉब्लम बच्चा, ट्राई करो मेरे लाल बाल गोपाल। सेल पर सेल का प्रॉब्लम बच्चा, ट्राई करो मेरे लाल बाल गोपाल। सिखाऊं? वेरी गुड। विन्नी, राशि, अमित, चारू, लकी एंड सो मैनी स्टूडेंट्स आर गिविंग द आंसर। टू के क्यू बायर पक्का, साक्षी, राशि, पलक, सोनिया, रुद्र। रुद्र ने अपनी आंखें निकाल ली बच्चा, एक साइड की आंखें रहने दे। ताइबा, फिरदोस, शुक्ला जी, शुक्ला जी, अच्छा नहीं है, चलो ठीक है, देख लो, अभी जाओ, मिल करके करते हैं। ये देख बच्चा, यहां पर जिस पर पूछा है क्या वो बाहर है, मतलब ये सेल पर निकालना है, तो तीन बार के क्यू बाई आर लगेगा, वो तो कन्फर्म है, लेकिन बाकी के जो सेल हैं वो सब इसके अंदर हैं। यस और नो? इनसाइड है, सब अंदर है। यहाँ पे कौन है? कोई। ठीक है, सारे सेल अंदर है, करेक्ट है। अगर सारे सेल अंदर हैं बच्चा पार्टी, तो ये मैंने आपको वर्ड सिखाया IRS, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अगर इनसाइड के सेल हैं तो उनका रेडियस वही लेना है जो सरफेस का है, और हमारे लिए सरफेस कौन है? ये सी वाला, ठीक। इसलिए आंसर आ जाएगा के इस खुद का 3Q फिर डिवाइडेड बाई 3R प्लस के बीच वाले का 2Q डिवाइड बाई 3R प्लस के सबसे नीचे ये वाला Q अपॉन में 3R, यानी आंसर हो गया 3, 2, 5 और 1, 6, 6KQ बाई 3R, यानी आंसर आ गया 2KQ बाई R। बच्चा ये नीट और जेई मेंस में 100% पूछा हुआ है, एंड दिस इज़ द बेस्ट वे, जिस वे से आप कर रहे हो ना, दिस इज़ द बेस्ट वे। इसका सेकेंड पार्ट वो भी आप लोगों को करना है, समझ में आ रहा है बच्चे को? यस सर। मजा आया। फिलहाल क्या इस क्वेश्चन को जान से मारने की शक्ति आ गई आपके अंदर? बोलिए श्री अम्बे मात की जय। क्या हर बच्चे को शक्ति मिल चुकी है? Yes, sir. क्या क्वेश्चन को जान से मार सकते हो? Yes, sir. बहुत अच्छे, थैंक यू, लव फ्रॉम आसाम, थैंक यू बच्चा। चलो इसी का सेकंड सेगमेंट आप करो, ये पहला था सेगमेंट पोटेंशियल एट सी, अब ये दूसरा सेगमेंट है पोटेंशियल एट बी। ट्राई करो बच्चा लोग, चलिए ट्राई करिए। पोटेंशियल एट बी, सोनिया, शुक्ला जी कोई दुल्हन थोड़ी है, चुटका मुंह दिखाइए हो। शुक्ला जी, yes, sir, तुम्हारे मुंह दिखाने के लिए सारे बच्चे कह रहे हैं। हाँ, तुम्हारा मुंह दिखाई का रसम कर दें क्या? और भैया जीवन आनंद सही है, ले लो जाओ, ठीक है। ट्राई करो बच्चा लोग, 3KQ/R पक्का? शुक्ला जी हीरो हैं, बात तो सही है। अरे हीरो से थोड़ी ना कम है। KQ/R 3KQ/R 3KQ/R, एक पर मज़ा आ रहा है बच्चा लोग आप लोगों को, सब ये सीख करके यार, ये रेफरेंस बुक की जरूरत नहीं पड़ रही आपको, क्लास के अंदर सारी चीज़ें आपको मिल जा रही है मस्ती के साथ, है ना? YT सेशन पे सारी चीज़ें सीख जा रहे हो आप यहीं पे।
हाँ जी बच्चा, अरबार खान, ये बिल्कुल 2022-23 वाले बच्चों के लिए है, डिटेल क्लास है। करेक्टो, 3KQ/2R, 3KQ/2R, 3KQ/, 5KQ/R, 3KQ/R, सोनिया एंड्रोश राशि एंड शगुप्ता रहमान। चलो आ जाओ देखो। सो बच्चा लोग, यहाँ पर अब हमें इस पर निकालना है, बीच वाले में। तो वापस KQ/R 2 बार लगेगा, लेकिन जब मैं B पे निकाल रहा हूँ तो ध्यान से देखिएगा, B वाले में जो 2Q का है उसका रेडियस 2R है, प्लस ये जो ये अंदर है उसके लिए भी मुझे 2R ही लिखना पड़ेगा। क्या मैं सही जा रहा हूँ यहाँ तक? आपको समझ में आया जो मैंने लिखा? प्लस ये मैं अलग कलर से लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, K3Q/3R। क्या फील आया? देखो बच्चा, इन दोनों में रेडियस सेम क्यों है? क्योंकि यहाँ पर IRS लग गया। इन दोनों में रेडियस सेम क्यों है? क्योंकि यहाँ पर IRS लग गया। अब आपको पूछा था इस पे, तो इसके अंदर ये भी है, इसीलिए अंदर वाले का सरफेस भी आपका यही हो जाएगा। लेकिन ये जैसे ही मैं 3Q का देखता हूँ तो ये बाहर है, तो बाहर वाले का रेडियस 3R है। हाँ जी बच्चा, रोज क्लास होती है अरबाज खान, समझ पड़ा मेरे प्यारे लाल बाल गोपाल? बढ़िया से। बस अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो ये आपका आंसर हो जाएगा, 3KQ/2R प्लस 3KQ/3R है। अच्छा सही तो जा रहा है, 3 × 3 9 और 3 × 6 15, तो 15KQ/6R, तो 3 × 5 15, 3 × 6 5KQ/2R। कितना भी अंग्रेजी बोल लो बच्चा, बट पहाड़ा हिंदी में याद होता है। तो 5KQ/2R करेक्ट। वेल डन, जिसका भी आंसर है वेल डन, बहुत अच्छे बच्चे, सुपर 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 सुपर, वंडरफुल, ग्रेट। चलो इसी का एक और सेगमेंट कर दो, इसी का एक और सेगमेंट कर दो बच्चा, पार्टी। एंड दैट इज, एंड आई नो यू पीपल आर गेटिंग दिस टाइम, आपको कौन सा सेगमेंट करना है इस बार? थर्ड सेगमेंट, और थर्ड सेगमेंट में निकालना है पोटेंशियल ऑन ए, पोटेंशियल एट ए। ठीक है, ट्राई, चलिए ट्राई करिए। अजय सिंह भाई साहब बहुत सारे तरबूज और केक भेज रहे हैं, खुशी खुशी में, इतना ज़्यादा खुश हो गए हैं अजय सिंह। थ्री के क्यू बाई आर कन्फर्म, ये काय किस खुशी में हो गया। हाँ जी बच्चा, 3KQ/R पक्का, सारे बच्चे रिद्धि सोनी सोनिया एंड माय अदर बच्चा पार्टी। वैष्णवी केसरवानी, थैंक यू सो मच बच्चा, लव यू टू। 3KQ/R विन्नी रिद्धि पक्का। अच्छा विनीता श्योरिटी के साथ साथ सैनिटाइजर भी भेज रही है कि हाँ जी सर बिल्कुल सही है। MKS खान बच्चा, इसीलिए सेशन को देखा करिए, जब आप हमारे फिजिक्स के क्लासेस को देखेंगे आपको मज़ा आ जाएगा। थैंक यू राजवीर व्यास, थैंक यू सो मच बच्चे। नाउ लेट अस टॉक अबाउट पोटेंशियल एट ए। तो अगर हम ए पर बात करें इस पर, तो बच्चा क्या इसके अंदर कोई है? नहीं, मतलब इस सेल के अंदर तो कोई नहीं, सब बाहर ही हैं। तो सब बाहर हैं तो बाहर वालों में जिसका जैसा रेडियस है वैसा लेने का, इसीलिए आंसर आ जाएगा KQ/R खुद का, फिर इसके बाहर वाले भाई का 2R, प्लस सबसे बाहर वाले भाई का K3Q/3R। चमको सही जा रहा हूँ ना मैं? हाँ, तो ये देखो 2 से 2 कट जाएगा, ये कट जाएगा, इसलिए आंसर आ जाएगा 3KQ/3R। अब एक ही क्वेश्चन में तुमने 4 सेगमेंट कर लिए, तो क्या अब आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया है कि अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे बच्चा तो आप जान से मार दोगे? दिस इज़ अ प्योर प्रॉब्लम, ट्रस्ट मानिए बच्चा, नीट क्वेश्चन पूछेगी ना तो आई कैन अश्योर यू इससे बाहर का कुछ नहीं पूछ सकती। और क्या पूछेंगे, वो एक और सेल दे देंगे चौथे नंबर पर, बता दो क्या फ़र्क पड़ता है। आपको ट्रिक याद रखना है कि IRS इनसाइड अगर कोई सेल है पूछे गए सेल के,
तो उसका भी पोटेंशियल लेते वक्त रेडियस हमेशा सरफेस का लेने का। क्या पिक्चर एकदम क्लियर है? फील के साथ इनसाइड रेडियस सरफेस का ही लेना है। पक्को? वेरी गुड, बहुत अच्छे। सेकेंड वाला वापस एक्सप्लेन करो। पलक चौधरी इज आस्किंग। ओके श्योर, नॉट अ प्रॉब्लम पलक, देख लो, आ जाओ। देखिए पलक, ध्यान से, हमें सेकेंड वाले पर पूछा था ना, तो सेकेंड वाले के अंदर कोई सेल है? है, ये वाला। तो इसका भी के क्यू बाई आर में मैं रेडियस सरफेस का ही लूंगा, दैट इज टू आर पलक। इसीलिए देखो सेकेंड वाले में ये दो लोगों के लिए रेडियस टू आर लिखा, जो अंदर अंदर रहेंगे उनका, बट पूछे हुए सेल के बाहर कोई आ गया थ्री क्यू, तो उसका एज इट इज लेंगे थ्री आर। एकता कपूर के भाई भी आ चुके हैं यहां पर क्लास के अंदर, बच्चा लोग बोलिए। पिक्चर क्लियर? बोलो समझ में आया? Yes, sir. अच्छे से? दैट्स ग्रेट माय डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ग्रेट। ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ही हैं। चलो तो ये चीज हो गया, अब एक क्वेश्चन और हम स्लाइड से लेते हैं। चलिए बच्चा इसका आंसर दे दीजिए, इसका आंसर दे दीजिए। A holosphere of radius 1 meter is charged such that the potential on its surface is 40 voltage. What will be the potential at the center of the sphere? इतने दिल से पढ़ाया बच्चा, एकदम अच्छे से पढ़ाया बच्चा लोग, तो मुझे पूरा भरोसा है कि सारे बच्चे इसका आंसर करेक्ट ही देने वाले हैं। सारे बच्चे, वो बच्चे जो रेल में पढ़ने वाले हैं, बाकी एकता कपूर वाले बच्चे तो क्या ही बोले। क्या बोलते हो शुक्ला जी? एकता कपूर की फैन फॉलोइंग धीरे धीरे बढ़ती जा रही है यार। चलो बी इज द करेक्ट आंसर, ऐसा आप लोग कह रहे हो, श्योर ना? अ होलोस्फीयर ऑफ रेडियस 1 meter, तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक था सर, और ये हम बहुत आसानी से आपको समझा रहे हैं बच्चा। तो रेडियस 1 meter दे रखा है, एंड इस पे जो है पोटेंशियल ऑन इट्स सरफेस इज 40 वोल्टेज। तो बच्चा जितना सरफेस पर होता है अंदर के प्रत्येक बिंदु पर, चाहे मैं 100 पॉइंट लूँ, कुछ भी लूँ, बट क्या इनसाइड वोल्टेज हमेशा 40 वोल्टेज ही रहता है? व्हाट विल बी द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर? यू आर टॉकिंग अबाउट हियर, 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 एनीवेयर। इफ ऑल द पॉइंट्स आर इनसाइडेड, 100% ऑफ वोल्टेज इज 40 वोल्टेज। और आपका ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ है 2013-2014। बोलो पिक्चर क्लियर? धन्यवाद, भगवान आप सबका भला करे। एक और सवाल करते हैं। चलो बच्चा मन का सच्चा, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, दे दीजिए जवाब। अ होलो कंडक्टिंग स्फीयर इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट पी एट शोन। ठीक, आपसे सवाल बोलता है, लेट वी ए, वी बी एंड वी सी बी द पोटेंशियल एट अ पॉइंट ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली, देन इनमें से क्या सही है? आसानी से इसका आंसर भी सोच के दे दीजिए, ये भी आपके नीट का ही प्रॉब्लम है। बोलिए बच्चा, पार्टी समझ में आया मेरे लाल बाल गोपाल? यस सर। लगा भौतिक विज्ञान ही जीवन है। कईयों को क्या लगता है शुक्ला जी? नहीं नहीं नहीं, कईयों को ये लगता है कि सर यहाँ पर यस सर कौन बोलता है। नए साल के बैच के बच्चा हो, धीरे धीरे जान जाओगे यहाँ पर बैक बेंच पे, लास्ट बेंच पे कौन बैठता है। इट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट माई बच्चा पार्टी, दैट इज करेक्ट आंसर इज वी ए इज इक्वल टू वी बी इज इक्वल टू वी सी, क्योंकि ये तीनों के तीनों जो पॉइंट्स हैं वो सरफेस पर ही हैं, और सरफेस पर पोटेंशियल आप जानते हो सेम होता है, विच इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू के क्यू बाई कैपिटल आर, राइट हो? तो हर जगह पर पोटेंशियल यहां पर सेम होगा। चलो और क्वेश्चन देखो। और क्वेश्चन देखने के साथ साथ मेरे प्यारे बच्चा, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं हमारे वेदांतु के व्यू प्लेटफॉर्म के बारे में। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द रिवोल्यूशनरी प्लेटफॉर्म, जहां पर बच्चे ईयर लॉन्ग बैच के लिए जुड़ते हैं, ऑफलाइन क्लास की फील के लिए बच्चा लोग। हम लोग साइड में क्रैश कोर्स भी चलाते हैं, मॉड्यूलर कोर्सेज भी चलाते हैं,
बहुत सारे बच्चे क्रैश कोर्स 2021 वाले कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पर, जिसे हम कहते हैं वेदांतों का रिवोल्यूशनरी वाइट बोर्ड ऑडियो वीडियो एनवायरनमेंट। बच्चा, सबसे खास बात इस प्लेटफॉर्म की क्या है कि यहाँ पर आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, आपको नोट्स मिल जाएगा, हर हफ्ते टेस्ट होता है इसके अंदर, और सिर्फ फिजिक्स नहीं, आपकी पूरी नीट की सिलेबस कवर कराई जाएगी इन जस्ट 2 मंथ। 2021 के बच्चा हो तो आपके लिए नीट का क्रैश कोर्स है इस प्लेटफॉर्म पर, जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। और आप ईयर लॉन्ग बैच वाले बच्चा हो जो कि 2022 में नीट की एग्जाम दोगे, तो बच्चा आपको इसी ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म पर पढ़ाया जाएगा, जिसका थोड़ा सा लुकअप मैं आपको बता रहा हूँ कि इस प्लेटफॉर्म पर लाइव क्लासेस लगातार चलती रहती हैं, आपको नोट्स मिल जाएगा। आप एक बार ईयर लॉन्ग बैच के लिए जुड़ोगे ना, तो आपको बाकी के एक्सेस ऑटोमेटिकली फ्री में मिल जाते हैं, जैसे मॉड्यूलर कोर्सेस, नीट के क्रैश कोर्सेज जो 2021 वाले लेंगे। अगर आप 2022 वाले बच्चा हो और आप प्रो सब्सक्रिप्शन के मेंबर बन जाते हो, तो सारे क्रैश कोर्स आपको मिल जाते हैं। और सबसे खास बात, बच्चा, आपको पर्सनल मेंटर के भी ऑप्शन अवेलेबल हैं। डाउट क्लास टूर के अंदर ही सॉल्व हो जाता है, क्योंकि अलग से क्लास टीचर दिए जाते हैं। बहुत प्राउडली मैं ये चीज़ कह रहा हूँ कि दिस इज़ द फर्स्ट प्लेटफॉर्म ऑन द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री, जहाँ पर स्पेशली मास्टर टीचर के साथ साथ क्लास टीचर होते हैं जो आपका डाउट पिक करते हैं, बच्चा। सो आप भरोसा कर सकते हो, बड़ा भाई आप मुझे मानते हो, तो आप एक महीने का प्रो सब्सक्रिप्शन लेकर के देखिए, यू विल गेट इट लॉट्स ऑफ बेनिफिट माय डियर स्टूडेंट्स। सुप्रो कोड लगाना 2022-23 वाले बच्चे, और जो 2021 में अगस्त में जो एग्ज़ाम आपकी होने वाली जो पोस्टपोन्ड होगी, क्रैश कोर्स जरूर ज्वाइन करिए बाय अप्लाइंग सुनीट कोड। क्रैश कोर्स के लिए यू हैव टू पे ओनली 7,000 रुपीज़, एंड जो बच्चे सुप्रो कोड लगा रहे हैं SUPRO, वो सिर्फ एक महीने के लिए, बच्चा पढ़ के देखो, क्योंकि पूरा भरोसा है कि आप पूरे साल के लिए जुड़ जाओगे। ट्रस्ट मी, टेक 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन, फिजिक्स भी पढ़ो, केमिस्ट्री भी पढ़ो, बायोलॉजी भी पढ़ो, टेस्ट भी दो, और आप एनालाइज करो अपने आप को कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हो, और आपको प्रिपरेशन की जरूरत के समय में मेंटर की जरूरत पड़ेगी, बच्चा। सो काइंडली गो टू वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स, राइट। एवरीथिंग इज देयर माय डियर स्टूडेंट, ऑल द सब्जेक्ट, एवरीथिंग इज देयर। चलो, तो अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर। अच्छा सर, आप बोलो ना, मेरे सामने वाली कुर्सी पर एक शुक्ला जी जैसा चोर रहता है। वेरी गुड। सो बच्चा, दिल से मैं ये चीज़ कह रहा हूँ, आप लोग YT पर पढ़ रहे हो, दैट्स ग्रेट, प्रिपरेशन हो जा रही, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ मॉक टेस्ट देना कंपलसरी है। मॉक टेस्ट दीजिए, रिविज़न करिए, मल्टीपल टाइम पे आप रिविज़न करिए। अगर ये सब कुछ चीज़ आप कर रहे हो तो बहुत बेहतरीन बात, और अगर नहीं कर रहे हो तो हम आपके लिए करवा रहे हैं वेदांतों के वीव प्लेटफॉर्म पर, थोड़ी सी फीस के अंदर, तो ज़रूर ज्वाइन कर लेना बच्चा। चलो, तो अब हम सॉलिड स्फीयर की बात करें। हे, आगे बढ़ने से पहले बच्चा ये बता दो मेरे को, हमने सेल का पढ़ लिया, सेल के अंदर कितना, तो KQ/R, सेल के सरफेस पर कितना, तो KQ/R, और अगर हम बाहर चले जाएं तो V=KQ/r। क्या ये सेल का हमें याद हो गया, और इसका एक बेहतरीन क्वेश्चन आपको याद हो गया अच्छे से? सोनिया राजपूत मौज कर दी, भैया पढ़ाई पर भी ध्यान दे लो, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं सॉलिड स्फीयर की। चलो बच्चा, इसे फील करना चाहते हो आप, पूरा फील सॉलिड स्फीयर की वजह से पोटेंशियल कैसे आएगा, इनसाइड आउटसाइड एंड ऑन द सरफेस, लेट अस फील, फील करना चाहते हो मेरे लाल बाल गोपाल? चलिए, तो अपनी आंखें बंद कर लो बच्चा, लोग ऐसा नहीं बोलूंगा मैं, शाहरुख खान थोड़ी ना होगी, आंखें बंद कर लो आप, मैं दुनिया का ये हूँ वो, ऐसा कुछ नहीं होगा। कई लोग ऐसे करते होंगे, हाँ सर फील आ गया, कई सारे बच्चे अपने वाले को सोचने लग जाते हो, सर जैसे आप फील आइला बोलते हो, हम लोग अपने अपने फील में चले जाते हैं, बिल नहीं फील है, नाटी बच्चा लोग। चलो देखो तो अब बात करते हैं सॉलिड स्फीयर के पोटेंशियल की फील, ठीक है। सॉलिड स्फीयर पोटेंशियल एंड देन फील। जब मैं 12वीं में था बच्चा लोग, 12वीं कक्षा में जब हम पढ़ाई कर रहे थे 2007 में, तो हमारी फिजिक्स की एक मैडम थी, दर्शना शाह करके मैम थी, अगर आप सुन रही होगी तो उनको बहुत गरी आएगी। ससुरा कुछ भी पढ़ाती थी, कुछ पल्ले ही नहीं पड़ता था। 11th में मेरे को कुछ समझ में नहीं आया था, प्रोजेक्टाइल मोशन हुआ, ऐसे पत्थर मारे से, बोलती थी सचिन पत्थर फेंकोगे तो ऐसे जाता है। मैं कहता था मैम क्या पत्थर फेंकोगे यार, पूरा लीपअप होता है, एक तो दिखता नहीं था, चश्मा था पहले, हाँ बहुत ज़्यादा नंबर था मेरे को।
और पीछे के बेंच पर बैठ रहता था बच्चा लोग, जैसे शुक्ला कैसे पीछे से बोलता है यस सर, तो ऐसे पीछे में कैसे समझने की कोशिश करता था मैडम लिख कर रही हैं। तो प्रोजेक्टाइल मोशन चला रही थी 11th क्लास के अंदर, और मुझे खाली इतना समझ में आता था ये ऐसे ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, अभी बाकी कैसे कुछ पता नहीं था, bx v cos थीटा v sin थीटा कुछ भी पता ही नहीं चलता था। तो एकदम नया नया एडमिशन लिए थे बच्चा लोग। अच्छा 10वीं क्लास के अंदर अगर आप लोगों के 70-80% उस टाइम पे, अभी अभी आजकल तो बड़ा आसान हो गया, और अब तो बहुत ही आसान हो गया मोदी जी की कृपा से, सारे बच्चे भगवान करे सबके अच्छे मार्क्स हैं, लेकिन आज के 10-12 साल पहले 70-80% लाना बहुत टफ होता था। और मैं 10वीं क्लास जिस जगह से पास किया था वहाँ साइंस स्ट्रीम नहीं था, साइंस स्ट्रीम सूरत के किसी एक और क्षेत्र में था जहाँ पर मैं रहता हूँ सूरत, ठीक है। तो हुआ ये था बच्चा लोग कि जब आप एक 10वीं क्लास के स्कूल से अपने स्कूल में टॉप किए हो, 10th में मैं टॉपर था 79%, हाँ 79% बहुत, अबे यार 99% वालों में से मैं नहीं हूँ, मैं 79% वाला ही हूँ, ठीक है। मेरे मैथ्स और साइंस में अच्छे मार्क्स थे, बाकी सब में डब्बा गोल, ठीक है। तो वही मेन था, उसी की बेसिस पे साइंस लिया था। आजकल उल्टा हो गया, आजकल सब SS में मार्क्स पूछते हो, अबे तेरे SS में कितने थे, 100 out of 100, अबे SS में 100 out of 100 लाके क्या फ़ायदा 10वीं क्लास के अंदर, मैथ्स साइंस होता था, ठीक है। हाँ मैथ्स में मैं एकदम बोल सकता हूँ 100 में से मेरे 97 थे और साइंस में मेरे 90 थे उस टाइम पे। पहले MCQ नहीं हुआ करते थे बच्चा, तो सुनो कहानी सुनो बहुत जोरदार, फिर उसके बाद इस पर चलता ही हूँ, बहुत प्यारी सी कहानी है, सुनना चाहोगे? हाँ सब खतरनाक थे मेरे बैच में, तो सुन तो लो। तो 70 से पहले की स्कूलों की कहानी कुछ और ही हुआ करती थी, अब कोरोना काल है आप लोग सुनोगे मज़ा आ जाएगा। तो हम 10वीं क्लास अपने स्कूल में टॉप किए हुए थे और 79%, ठीक है, मैथ साइंस में उतना बहुत होता है राइट, उस समय में 79-80, आज के 10-12 साल पहले 70-79% लाना बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो पास करके हम एक स्कूल में गए, लायंस सिल्क सिटी, ये ऐसा नाम से लगता है भैया कि बहुत बड़ा टाटा बिरला वाला स्कूल होगा, नहीं बच्चा ऐसा बिरला टाटा स्कूल नहीं था, ट्रस्ट पे चलने वाला स्कूल था, एक बिल्डिंग में चलता था। और सूरत की यही एक स्कूल हुआ करती थी तब हिंदी मीडियम की, कि अगर 10वीं में, हाँ हिंदी मीडियम से था मैं, तो 10th क्लास पास आउट करके हिंदी मीडियम से आप यहाँ पर जाओगे एडमिशन लेने के लिए। तो वहाँ गए, तो ऐसे ही जैसे मैं स्कूल पास आउट करके गया था वैसे इसके अंदर और भी बाहर की कुछ कन्याएँ कुछ देवता लोग एडमिशन लिए थे, हमको लगा ससुरा हम टॉपर है, तो ऐसे करके जा रहे थे। पहले दिन बैठ गए पीछे के बेंच पर, और उस समय के जो टीचर्स हुआ करते थे वो भी बड़े खतरनाक, वो पहले दिन आते ही ना आपकी बेइज्जती करेंगे। किस तरह की बेइज्जती, कौन कौन 90% वाला हाथ ऊपर करो, तो मुझे लगा साला कोई होगा ही नहीं, मैं बैठा था सर जैसे ही 80% वाले बोलेंगे हाथ ऊपर करेंगे, भाई साहब देखा 90% हाथ ऊपर करो तो 4-5 लोग कैसे हो गए, मैं कहा बेटा यहाँ तुम्हारा दाल गलने वाला नहीं है। देखा 4-5 लोग हाथ उठाए थे, मतलब दूसरे स्कूल के बच्चे भी आए थे, और नाम भी खतरनाक 90% वाले के, ज्वाला कुशवाहा, नाम सुन रहे हो, ज्वाला कुशवाहा यादव वीरेंद्र, फिर एक का नाम था विष्णु चक्रवर्ती, अरे भाई साहब उसे मैं सिंपल सा सचिन उपाध्याय। तो जब 80% वाला नंबर आया तो फिर मैं हाथ ऊपर किया, और वो स्कूल के टीचर्स जानते हो क्यों पूछते हैं कि आप कितने प्रतिशत वाले बच्चे कौन कौन से हैं, क्योंकि उनको ट्यूशन पकड़ना होता है। तो ज्वाला कुशवाहा, वीरेंद्र चक्रवर्ती, यादव हिरेन बिरेन, जो भी थे जितने भी रैंकर थे सब ट्यूशन चले गए, जो टीचर पढ़ाते हैं, और ये फैक्ट है अभी भी होता है। तो स्कूल के टीचर ट्यूशन पढ़ाएंगे तो मार्क्स भी देंगे, अब ससुरा हम किसी के पास ट्यूशन गए नहीं, तो 11वीं में सब हमें पीज लिए थे, पकड़ लिए थे, दर्शना मैडम से लेकर के फिजिक्स की मैडम से लेकर केमिस्ट्री वाले ललन सर, मतलब केमिस्ट्री के जो टीचर थे, मैथ्स वाले जो टीचर थे, सब ससुरा जो भी क्लास के अंदर आए 80% वाली रेंज में एक लड़का है सचिन उपाध्याय जो ट्यूशन जाता ही नहीं है, ससुरा पास कैसे होगा वो, उसको फेल करो। अब कोई भी आता था भाई सब खड़ा कर देता था, सचिन खड़े हो जाओ, अब सचिन भाई सब खड़े हो जाए तो दिखता तो था नहीं दूर तक का, मैडम पूछ लेती थी बेटा क्या है, मैं कहता था मैम ये लाइन खींचे आपने प्रोजेक्टाइल मोशन है, इधर आ तू, इधर आ तू, क्लास के बाहर जा, तो वो दिन याद आ गया यार 10th क्लास सर तुम्हारे में से कोई बच्चे कह रहे थे, क्या बोलते शुक्ला जी? टेंथ क्लास की बात ही अलग होती है राइट। तो बच्चा मैं मुझे ये इसलिए याद आया क्योंकि मेरे को अचानक याद आ गया कि मैं जब 12th-11th क्लास में था मेरे को कुछ पल्ले ही नहीं पड़ता था यार, सच बता रहा हूँ, फिजिक्स में मेरे को कुछ आता ही नहीं था पहले 11th क्लास के अंदर, ट्रस्ट में 11th क्लास के अंदर कुछ आता ही नहीं था, बस लगता था क्या यार क्या भसड़ मचा है भाई साहब, ब्लॉक ब्लॉक ब्लॉक, अभी यार इधर से फोर्स लगा ये ऐसे ऐसे ऐसे, क्या सियापा यार, हाँ मैथ समझ में आता था,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर सीधा सीधा ए स्क्वायर प्लस टू ए प्लस बी स्क्वायर। केमिस्ट्री थोड़ी बहुत समझ में आती थी बच्चा, रट लो काम खत्म। फिजिक्स पढ़ पल्ले ही नहीं पढ़ता था। फिर ठाना बच्चा लोग कि इसको तो आसान बना कर रहेंगे, ये ससुरा समझ में क्यों नहीं आता है, क्या चक्कर है इलेक्ट्रॉन प्रोटोन और न्यूट्रॉन का। ठीक है, सोचो फिजिक्स पढ़ाने लग गया मैं को फिजिक्स पहले समझ में ही नहीं आता था, तो ब्लॉक पे ब्लॉक सोच में ही नहीं आता था भाई, ये वाला ब्लॉक ऐसे गया तो ये इधर क्यों लगेगा। मैं तो कई 600-700 साल तक संशोधन ही करते रह गए, फ्रिक्शन का डायरेक्शन ऐसा क्यों लेते हैं यार। बाद में जब कुछ एक सीरीज देखा बच्चा तो लगा ओ केमिस्ट्री ज़्यादा टफ होती है, फिर मैं कहा चलो फिजिक्स ही बहुत बढ़िया है। मुझे भी निकाल देते थे। हाँ, ट्यूशन नहीं जाने वाले बच्चों पे अत्याचार बहुत होता है ना, हम सब लोग नारा लगाएंगे ठीक है, गो कोरोना गो के जगह जगह पर आएगा, ट्यूशन में अत्याचार करने वाले शिक्षक गो गो गो, क्या बोलते हो शुक्ला जी? चलिए आ भी जाओ बच्चा। तो सॉलिड स्फीयर की पोटेंशियल की फील करते हैं, एंड थैंक यू सो मच टू ऑल माई लवली टीचर्स जितने भी थे जिन्होंने पढ़ाया, भले मारा बहुत, भले मेहनत किया, भले क्लास के बाहर निकाला, बट इट्स ओके एंड थैंक यू मैम। अगर हमारा लेक्चर वो देखती हैं आज भी कभी कभार फ़ोन कर ही देते हैं तो। चलिए बच्चा, हाँ 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 राजवीर व्यास बिल्कुल सही कहा। तो बच्चा सॉलिड स्फीयर के बारे में सोचते हैं, आ जाओ। तो ये हमने लिया खूबसूरत सा सॉलिड स्फीयर, तो क्या खूबसूरत से सॉलिड स्फीयर के खूबसूरत से सॉलिड स्फीयर के अंदर बाहर हर जगह पर चार्ज रख सकते हैं? भैया शर्मा जी काहे मुंह बना रहे हैं ऐसा, पढ़ा ही रहे हैं भाई साहब, पिछले एक डेढ़ घंटे से पढ़ा ही रहे हैं। हाँ जी बच्चा, मैं ये पूछ रहा था कि सॉलिड स्फीयर के अंदर बाहर चार्ज रख सकते हैं? करेक्ट है, क्लास के बाहर खड़े होने का अलग लेवल का मजा, उसमें आपकी शान बढ़ती है ना। किसको निकाला था भाई? ठीक है, हाँ तो आप पूरे साल तक फिक्स हो जाओगे, आप मतलब याद रखोगे, युगे युगो इतिहास इतिहास तक याद रखे जाओगे बच्चा कि ये तू मार खाया था, हमको ही पीटा गया था, हमारे केमिस्ट्री के अध्यापक ने पीट दिया था। यस सर, वी कैन। ठीक है, चलिए तो मान लीजिए इसका रेडियस कैपिटल आर है। सबसे पहले तो मैं सरफेस पर सोचू ही नहीं, सरफेस पर आप सबको पता चल ही जाएगा कि जो पोटेंशियल सरफेस पर है बच्चा वो तो फिक्स है ना, इसको निकालने की तो कोई ज़रूरत है नहीं, ये तो साफ साफ दिख रहा है, दैट इज़ के क्यू बाई कैपिटल आर है ना, नो नीड टू प्रूव इट, प्रूव करना ही क्या, दिख रहा है टोटल चार्ज इस पर कैपिटल क्यू है, तो सरफेस पर आपका के क्यू बाई आर हो जाएगा। करेक्ट हो? बिल्कुल करेक्ट हो। अब देखो बच्चा, अगर मैं बाहर निकालने जाऊँ यहाँ पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, यानी कि स्मॉल आर जितने डिस्टेंस पर, या मेरा केस टू है कि वी आउटसाइड, तो ये हम कैसे निकालते हैं? देख बच्चा ध्यान से समझ, अगेन वही सिचुएशन आएगी कि हम दो पॉइंट ले रहे हैं, एक तो बाहर दूसरा सरफेस पर, जिसका फॉर्मूला है माइनस कैपिटल आर से लेके स्मॉल आर एंड देन ई डॉट में डी आर। बोलो यस और नो, अभी किया था थोड़ी देर पहले, वी हैव डन दिस थोड़ी देर पहले ही किया था ऐसा, 4 बजे बच्चा मेरी लाइव क्लास स्टार्ट होती है 4 बजे। ठीक है, सो वी स्मॉल आर माइनस कैपिटल आर इज इक्वल टू माइनस स्मॉल आर देन कैपिटल आर, फिर ई डॉट डी आर, जो पहले होता है वो टॉप पे रहता है, और फिर ये ऐसा। तो हमें चाहिए आर जितने डिस्टेंस पर पोटेंशियल, वी इज आर, इसीलिए मैं वी स्मॉल आर को अगर सब्जेक्ट बनाऊंगा तो माइनस में ये इधर आ जाएगा, और इसकी वैल्यू के क्यू बाई कैपिटल आर, यू हैव ऑलरेडी गॉट इट। ठीक है, फिर माइनस में आर से लेके स्मॉल आर एंड देन वी हैव ई डॉट में डी आर। सोच समझ के जवाब देना बच्चा, बिल्कुल सोच समझ के जवाब देना, इसकी जगह पर क्या आएगा, इसकी जगह पर क्या आएगा ई डॉट डी आर की जगह पर? बोला अभी, इसको किया भी था हम लोगों ने, इसकी जगह पर आएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो के क्यू को बाहर कर दो और आर पावर माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन आर से लेके स्मॉल आर। बोलो चमको, फील आयो? वेरी गुड। माइनस टू प्लस वन कटेगा तो इधर प्लस हो जाएगा, तो ये आएगा के क्यू बाई कैपिटल आर प्लस के क्यू, ये देख बच्चा आर पावर माइनस टू प्लस वन यानी वन बाई आर, पहले अपर लिमिट फिर माइनस में लोअर लिमिट। चल बच्चा ब्रैकेट को ओपन कर, तो के क्यू बाई कैपिटल आर
प्लस के क्यू बाई स्मॉल आर माइनस के क्यू बाई कैपिटल आर, ये कट गया तो आपका आंसर आया के क्यू बाई आर। ओ हो, क्या ये फॉर्मूला बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के लिए आया, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर यानी कि होलोस्फीयर के लिए आया। होलोस्फीयर में भी बाहर यही फॉर्मूला आता है। यस बच्चा, दिस इज सिमिलर टू व्हाट वी हैव फॉर द होलोस्फीयर। आउटसाइड के लिए यही है बॉस। अब इनसाइड चलते हैं, इनसाइड थोड़ा बढ़िया होगा तो हम थोड़ा सा मैजिक करके इसको छोटा कर लेते हैं। ये हमारे डिजिटल बोर्ड की खास बात, ढिचके आओ। चलो बताइए बच्चा, यहाँ तक क्लियर है हर बच्चे को? राइट हो, गुड। सो लेट अस टॉक अबाउट द थर्ड वन व्हिच इज पोटेंशियल इनसाइड। बहुत ध्यान से सुनना बच्चा, इनसाइड मतलब हम यहाँ कहीं पर निकाल रहे हैं और वो डिस्टेंस भी अब आपका स्मॉल आर ही है। तो अगेन द सेम फॉर्मूला, वी स्मॉल आर इज इक्वल टू वी आर माइनस दिस कैपिटल आर टू आर एंड देन ई डॉट में डी आर। ये वो बच्चा कर पाएगा जिसने इलेक्ट्रोसिटी की पहले की क्लासेस मेरी अटेंड करी है। इसकी जगह पर हुआ के क्यू बाई कैपिटल आर, फिर माइनस, फिर माइनस। बताइए बच्चा ई का फॉर्मूला क्या है? नाउ इट्स योर टर्न, प्रूव करो कि आप लोग पहले की क्लासेस अटेंड कर चुके हो। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द सॉलिड स्फीयर इनसाइड द सॉलिड स्फीयर? इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सॉलिड स्फीयर, क्या फॉर्मूला है? वेरी गुड विनीता, ओनली विन्नी बच्चा इज आंसरिंग द क्वेश्चन। इट्स के क्यू बाई कैपिटल आर क्यूब एंड देन स्मॉल आर। हाँ वेरी गुड राशि, बहुत अच्छे। सॉलिड स्फीयर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड, पिछला वाला भूल जाओगे तो आगे का काम नहीं ना चलेगा बच्चा लोग, तो पिछला वाला ही तो है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जब पढ़ाया था आपको तब की बात है। तो वी आर आपका के क्यू बाई कैपिटल आर हुआ, फिर यहाँ पर माइनस कर देंगे, ई के जगह पर आ गया आपका के क्यू, फिर आर का क्यूब, इंटीग्रेशन आर डी आर, लिमिट है कैपिटल आर से लेके स्मॉल आर। एकदम ध्यान से करना बच्चा वरना गलत हो जाएगा, एकदम ध्यान से करना बच्चा वरना गलत हो जाएगा। चलिए ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो के क्यू बाई कैपिटल आर, देन वी हैव माइनस, देन वी हैव के क्यू, वी हैव कैपिटल आर का क्यूब। यहाँ सॉल्यूशन क्या होगा बोलना तो आर स्क्वायर बाई टू, क्योंकि आर की पावर जितनी है उसमें एक जोड़ते हैं, तो आर डी आर का आर स्क्वायर बाई टू, बाई टू को बाहर किया, लिमिट लिया कैपिटल आर से स्मॉल आर। ये हुआ के क्यू बाई कैपिटल आर माइनस के क्यू बाई टू आर का क्यूब एंड देन इट वुड बी स्मॉल आर स्क्वायर माइनस में कैपिटल आर स्क्वायर। चमको 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 चमको, चलो इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। तो के क्यू बाई कैपिटल आर माइनस, लेट अस ओपन द ब्रैकेट, तो ये हुआ के क्यू आर स्क्वायर अपॉन टू आर का क्यूब माइनस माइनस प्लस, ये आर स्क्वायर से कट जाएगा तो के क्यू बाई टू आर। राइट बच्चा, आप देखिए ये वाला के क्यू बाई आर और ये वाला स्टेप दोनों प्लस हो जाएंगे, तो टू के क्यू बाई आर एंड देन के क्यू बाई आर कितना हो गया? थ्री बाई टू के क्यू आर, सही जा रहा हूं ना मैं? ये के क्यू बाई आर और ये वन प्लस वन बाई टू, तो थ्री बाई टू, यस थ्री के क्यू बाई टू आर करेक्ट। फिर माइनस के क्यू स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन टू आर का क्यूब। बोलो बच्चा क्लियर है क्या कि मैंने कहीं लोचा मारा है? यहां तक कंफर्म है?
नीतू कुमारी बच्चा डेली क्लास चलते हैं। यहाँ तक कंफर्म सभी बच्चों को समझ में आ गया? बट आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर नहीं दिख रहा यार। अच्छा चलो, अगर हम के क्यू बाई आर क्यूब कॉमन ले लें, के क्यू बाई टू आर क्यूब मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो मेरा आंसर नहीं लगता आपको बच्चा ये हो जाएगा 3R का स्क्वायर माइनस 0. अरे स्मॉल आर स्क्वायर। सही है, चेक करो के क्यू आर स्क्वायर। हाँ जी बिल्कुल सही है, और ये 3/2 करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है। अब ये इक्वेशन आपको अपने मन मंदिर में जीवन काल के अंत समय तक बसाना पड़ेगा बच्चा। सो यू हैव टू कीप दिस फॉर्मूला इन योर माइंड टिल द लास्ट ब्रेथ ऑफ योर लाइफ, एंड दैट इज द फॉर्मूला ऑफ इनसाइट। फॉर्मूला भूले तो मार्क्स कटा, फॉर्मूला भूले तो मार्क्स कटा, भूला तो मार्क्स कटा। ठीक है, तो बिल्कुल आपके सामने ही है बच्चा लोग पूरा प्रूफ। आप बोलोगे तो एक बार फिर से सिखा दूं। शुड आई एक्सप्लेन अगेन? सर रिपीट करो। वेरी गुड, नॉट अ प्रॉब्लम, आई वुड लव टू रिपीट। आप ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए। चलो बच्चा देखो, पहले तो इसके सरफेस पर क्या फॉर्मूला है? तो इसके सरफेस पर बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है के क्यू बाई कैपिटल आर। फिर जब हम आउटसाइड देखते हैं बाहर की तरफ, तो के क्यू बाई स्मॉल आर, बिल्कुल पहले जैसा। हाँ इस पर क्वेश्चन दीजिए, करते हैं इस पर एक क्वेश्चन, ठीक है, एक क्वेश्चन इस पर करते हैं, राइट हो। लेकिन बच्चा अगर हम जब अंदर की बात करते हैं ना, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ही बदल जाता है यार। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है के क्यू, कहाँ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन। हाँ अंदर जो होता है इक्वेशन बच्चा इसका, ये इधर लिख देता हूँ, के क्यू स्मॉल आर अपॉन में कैपिटल में आर का क्यूब, तो के क्यू बाई आर क्यूब बाहर आ गया, और आर डी आर साथ में इंटीग्रेट हो गए। समझ पाए? आर डी आर साथ में इंटीग्रेट हो गए, ये रहा के क्यू बाई आर क्यूब एंड देन आर डी आर। आर डी आर का आंसर आर स्क्वायर बाई टू। तो पहले हमने क्या करा, अपर लिमिट रखा फिर लोअर लिमिट रखा, ये आंसर आया। बस फिर तो इसको सॉल्व ही करना है, आप चाहो तो यहीं से सॉल्व कर लो। ये पूरा मैंने ओपन करा बच्चा, ये पूरा यहाँ तक लेकर के आया, उसके बाद मैंने के क्यू बाई टू आर क्यूब बाहर निकाल लिया, मुझे इक्वेशन याद है। तो के क्यू बाई टू आर क्यूब ब्रैकेट 3R स्क्वायर माइनस में स्मॉल R स्क्वायर। बोलो चमका, यानी हमें याद रखना है बच्चा लोग कि इनसाइड क्या होगा, आउटसाइड क्या होगा, और सरफेस पर क्या होगा। ये तीनों चीज़ हम लोगों ने निकाल लिया, इनसाइड, आउटसाइड और सरफेस। एक नीटो प्रॉब्लम हो जाए इस पर, एक नीटो प्रॉब्लम हो जाए। चलिए वन नीटो प्रॉब्लम, वन नीटो प्रॉब्लम, लेट अस अंडरस्टैंड। चलो बच्चा, इस सॉलिड स्फीयर पर टोटल चार्ज कैपिटल क्यू है, आपको बताना है पोटेंशियल एट पॉइंट पी, पोटेंशियल एट पॉइंट पी। तो पी पॉइंट पे आपको पोटेंशियल बताना है। चलिए ट्राई करिए। पोटेंशियल एट पॉइंट पी, यू हैव टू फाइंड पोटेंशियल एट पॉइंट पी। तो फॉर्मूला लगाओ सही से, आर बाई टू डिस्टेंस है, पॉइंट पी का सेंटर से डिस्टेंस आर बाई टू है। हाँ आर बाई टू है बच्चा, दैट इज आर बाई टू, राइट, दैट इज आर बाई टू।
that is r by 2. So at a distance r by 2, you have to find the potential. R by 2 is the distance of the point P from the center of the sphere. Winnie again. Winnie bacha, you are for neat na? Neat. आप में से जेई वाला बच्चा कौन था? अच्छा, सुरंजना मेहती थी. अनु, थैंक यू बच्चा, थैंक यू सो मच. क्रिएटिव आइडियाज, धन्यवाद, भगवान आपका भला करे. चलो, तो पोटेंशियल एट पॉइंट पी व्हिच इज एट अ डिस्टेंस आर बाय टू. पलक नहीं आया बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है. डिलान विकेरिया, गुड वन. साक्षी, बहुत अच्छे. वनी ने पहले ही आंसर दे दिया, सुपर्ब. और बताओ, बाकी के बच्चे भी आंसर देने चाहिए. कविता ने भी आंसर दे दिया, गुड, सुपर्ब, बहुत ही बढ़िया, शानदार. विन्नी का भी आंसर आ चुका है. गिरीश गोस्वामी, तनिष्का ने कहा सर समझ में नहीं आया. यशस्वी, गुड वन. आरती, बच्चा पलक बिल्कुल चिंता मत करो, आप लेक्चर्स को डेली अटेंड करा करो यहाँ पे, ठीक है. राशि अग्रवाल, गुड. चलिए देखिए, कुछ बच्चे ने कहा सर सवाल समझ में नहीं आया. कुछ नहीं है इसमें, ये सॉलिड स्फीयर है, इतना तो समझ पाते हो ना कि दिस इज अ सॉलिड स्फीयर. लिखा भी है सॉलिड स्फीयर, ऐसा बोल देगा. तो सॉलिड स्फीयर में आपको जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है वो अंदर है. अब सेंटर से जो डिस्टेंस है उसको हम स्मॉल आर बोलते हैं, वो दे रखा है आर बाई टू. अब फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि इनसाइड का क्या फॉर्मूला है. ये नीट का सवाल है, डायरेक्ट, दिस इज ट्रू नीट प्रॉब्लम. तो फॉर्मूला है के क्यू बाई आर का क्यूब, के क्यू बाई टू आर का क्यूब, थ्री आर स्क्वायर माइनस में स्मॉल आर स्क्वायर. तो नाउ वी हैव के क्यू बाई टू आर का क्यूब ब्रैकेट थ्री आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर, स्मॉल आर इज व्हाट, आर बाई टू विच इज आर स्क्वायर बाई फोर, आर स्क्वायर बाई फोर. तो 12 माइनस आर स्क्वायर यानी ये 11 हो गया. तो 11 के क्यू, एलसीएम लिया बच्चा, 4 इंटू 3 12 माइनस में 1 दैट इज 11. तो 11 के क्यू आर स्क्वायर अपॉन 8 आर का क्यूब, लीजिए आर स्क्वायर से ही कट गया. तो आपका आंसर आता है 11 के क्यू अपॉन में 8 आर. वेरी गुड, मजा आया बच्चे, मन के सच्चे. चलिए और देख लेते हैं हमारे स्लाइड में और कौन से क्वेश्चन अवेलेबल हैं, कि सारे हो गए पटक लिए हम लोगों ने. वैसे तो ये भी कर लिया, ये भी कर लिया. चलो ये वाला क्वेश्चन कर लो बेस्ड ऑन दिस टॉपिक. चलिए बच्चा देखिए ध्यान से, सवाल है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल द सरफेस ऑफ अ चार्ज सॉलिड स्फीयर. अब ये सॉलिड स्फीयर है, वापस सॉलिड स्फीयर आ गया. ऑफ अ इंसुलेटर इज 20 वोल्टेज, द वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल एट इट्स सेंटर विल बी. ओहो, सरफेस पर 20 वोल्टेज दे रखा है, बढ़िया सवाल. सरफेस पर 20 वोल्टेज दे रखा है और आपको सेंटर पे बोलता है कितना होगा. तो पोटेंशियल एट इट्स सेंटर विल बी, निकालिए. द पोटेंशियल एट द सर्फेस ऑफ अ चार्ज सॉलिड स्फीयर ऑफ इंसुलेटर इज 20 वोल्टेज, द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट इट्स सेंटर विल बी, बढ़िया सवाल. बताऊं या आप लोग कर रहे हो? Should I explain or people are trying? कविता 30, ट्राई, वेरी गुड पलक. सत्यम धन्यवाद, भगवान आपका भला करे. विनी इज सेइंग 30. जीरो, 30, 30, 30. चलो देखो,
तो दे आर सेइंग सरफेस पे 20 है, तो सरफेस के लिए क्या फॉर्मूला है? तो वी नो दैट सरफेस पर होता है KQ बाई आर, ये दे रखा है आपको 20 वोल्टेज, राइट? दिस इज गिवन 20 वोल्टेज. नाउ द पॉइंट इज कि अगर सरफेस पर दे रखा है 20 वोल्टेज, तो इनसाइड बोलता है अपने को, तो इनसाइड का फॉर्मूला क्या है? इनसाइड का फॉर्मूला है KQ बाई 2R का क्यूब ब्रैकेट 3R स्क्वायर माइनस स्मॉल R स्क्वायर. अब आप बोलो बच्चा, अगर हम सॉलिड के सेंटर पे चले जाएं तो स्मॉल R कितना? अगर हम सॉलिड के सेंटर पे चले जाएं तो ये स्मॉल R कितना? स्मॉल R तो यहाँ पर जीरो ही है ना सेंटर पे. वी आर एट द सेंटर ऑफ द सॉलिड, सो स्मॉल R इज गोइंग टू बी जीरो. ना 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 ना, सरफेस पर कैपिटल R है बट आप सेंटर पे हो तो जीरो है. पुट जीरो, सो KQ बाई 2R का क्यूब एंड देन वी हैव 3R का स्क्वायर. सो व्हेन यू सॉल्व दिस इट वुड बी 3/2 KQ बाई कैपिटल R. लुक एट दिस, KQ बाई R कितना है? 20. तो 3/2 टाइम्स ऑफ 20 यानी 30 वोल्टेज. बोलो मजा आया? समझ आया बच्चा लोग? फील के साथ. यस सर, ग्रेट. और देख लेते हैं इसके अंदर कुछ क्वेश्चन बचा है तो. आज के स्लाइड के अंदर और दूसरे क्वेश्चंस बचे हैं क्या? नहीं, डन. चलिए बच्चा, तो इट्स डन. तो आप लोग कोर्स में ज़रूर एनरोलमेंट करिए बच्चा, ताकि आपकी जो ईयर लॉन्ग की प्रिपरेशन है 2022 और 2023 वो स्मूथली चल सके. और इसके लिए आपको बहुत ही मिनिमम अमाउंट अभी पे करना होगा, सिर्फ एक महीने के लिए. आप जुड़ करके देखो बच्चा, काइंडली यूज़ दिस कोड सुप्रो, और लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. बच्चा ईयर लॉन्ग की अगर हम बात करें तो छोटा सा हम डिटेल आपको दे देते हैं. देखिए, आपको पूरे 2 साल का ये फीस लिया जाएगा, लेकिन उसके लिए आपके पास में EMI का भी अच्छा खासा ऑप्शन है. लाइव इंटरेक्टिंग ऑनलाइन का कोर्सेज हैं, टेस्ट सीरीज़ है, असाइनमेंट है, नोट्स है, डाउट सॉल्विंग ड्यूरिंग क्लास है. ये दोनों ऑप्शन इसके अंदर अवेलेबल नहीं है आपके प्रो लाइट के अंदर. लेकिन आप प्रो लाइट और क्लासिक का डिफरेंस एक बार देख लीजिए, यहाँ पर आपको पर्सनल मेंटर मिल जाते हैं बच्चा, ठीक है? अभी आप सिर्फ इतना करो कि एक महीने के लिए आप वेदांतु के वेव प्लेटफॉर्म पर अपने कोर्स को एनरोल करके देखो. 100% बच्चा यू विल सी द ह्यूज डिफरेंस कि आप अकेले नीट की प्रिपरेशन कर रहे थे तब क्या था, और अब एक महीने में क्या बदलाव आ चुका है, ठीक है बच्चा? तो यस, मेरे प्यारे लाल बाल गोपाल, नीट वाले जितने बच्चे लोग हों जो 2021 में एग्ज़ाम देना चाहते हो, उनके लिए सुनहरा मौका. बाई पेइंग ओनली 7,000 रुपीज़ यू कैन गेट अवर एंटायर कोर्स, द क्रैश कोर्स. और जो 2022 2023 वाले बच्चा लोग हैं उनके लिए प्रो सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है. सुप्रो कोड लगाइएगा, और नीट 2021 वाले बच्चा लोग सुनीट कोड. आचे ग्लास की नोट चाहिए, जैसे जैसे लिखा वैसे वैसे नोट्स चाहिए. तो आपके सामने ही नोट को डाउनलोड भी कर रहा हूं मैं. डाउनलोड हो जा देवता, जितने पेजेस हैं वो सारे डाउनलोड हो रहे हैं बच्चे लोग. प्रियंका, प्रियंका गायकवाड़, बच्चा इज आस्किंग अबाउट सर न्यूमेरिकल नहीं होते. लेक्चर को लगातार देखिए और प्रैक्टिस करिए, ट्रस्ट में आपको फिजिक्स के साथ प्यार हो जाएगा. न्यूमेरिकल तो बहुत दूर की बात है, ठीक है? और जो भी बच्चा आज की क्लास के अंदर पढ़ा है वो हम टेलीग्राम के अंदर प्रोवाइड करने जा रहे हैं. सो बी अ पार्ट ऑफ टेलीग्राम. एंड सो फार इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल, देन ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल. मैं आपके सामने जो है टेलीग्राम के अंदर ही जा करके नोट्स पहले दे देता हूँ, वरना फिर हम भूल जाते हैं. फिर आप बोलते हो सर आप तो नोटवा प्रोवाइड ही नहीं करते. क्या बोलते हो शुक्ला जी, सही है? जीवन क्या है शुक्ला जी? है थोड़ा जोर से बोलो शुक्ला जी, सुना ही आजकल कम दे रहा है हमको. बच्चा लोग टेलीग्राम, टेलीग्राम वेदांतु नीट मेड इजी सर्च करेंगे तो भी हमें मिल जाएगा. ये रहा नीट मेड इजी का ऑफिशियल. और ये है आज का डेट कितना शुक्ला जी, फिर से हम भूल गए? 6/22. बढ़िया शुक्ला जी, और सब बढ़िया है ना?
चलो शानदार जबरदस्त 622 622 अच्छे क्लास की नोट्स बच्चा पार्टी 622 622 अगर दिख जाए तो हमको बता दीजिएगा 6 619 622 622 622 ये रहा ये आया टिच किया हूँ एंड डिच किया हूँ एंड डिच किया हूँ। चलो बच्चा आज की क्लास की नोट्स आपके सामने जा चुकी है, डाउनलोड कर लीजिए, टेलीग्राम जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। यस एंड जरूर मेरे प्यारे लाल बाल गोपाल कोर्स को एनरोल कर लीजिए बाई पेइंग ओनली 3600 यू कैन हैव एक्सेस ऑफ बोथ 12th क्लास की भी प्रिपरेशन उसी प्रो सब्सक्रिप्शन के अंदर ही हो जाएगा, आपको अलग से क्लास 12th के पैकेजेस लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एंड ट्रस्ट मी बच्चा आपको जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, नीट जैसे एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको मेंटोर की जरूरत पड़ेगी बच्चा, आप खुद से कर रहे हैं दैट्स ओके दैट्स वेरी गुड, 100 में से 10 बच्चों का हो जाएगा, लेकिन जो 90 स्टूडेंट्स हैं वो भटकेंगे, भटको मत, प्रॉपर स्ट्रेटजी फॉलो करो एंड सब्सक्रिप्शन जरूर लीजिए बच्चा। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन बट डोंट ट्रबल योर मॉम, टेक केयर बच्चा लोग, थैंक यू सो मच।